Hey guys, welcome to the new video. So today in this video, I am going to talk about credit card reasoning. So guys, अगर आप लोग NMAT और SNAP इस साल दे रहे हो और ऑलरेडी NMAT की एग्जाम अभी विंडो चल रही है और SNAP की हम लोग आप सब लोग जानते हो कि हम लोग के दिसंबर में एग्जाम है, तो क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये दोनों एग्जाम्स के लिए और बाकी MBA एग्जाम्स के लिए लाइक टेस्ट सेट, SRCC, GBO एंड सी मैट एज वेल एज अदर एम बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक मैट एंड एटमा ऑल्सो। सो गाइज, अगर आप ये सब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड लिस्टिंग में ये सब टॉपिक एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं डिसीजन मेकिंग की वीडियो बना दूंगा, तो आपकी क्रेडिट कार्ड रीजनिंग आपकी जो मेनली होती है वो एनमेट स्नैप में आपको इतने टॉपिक से पूछी जाती है। अगर आप ये सारे टॉपिक्स कर लेते हो, 6 टॉपिक, तो यहाँ पे आपकी क्रिटिकल रीजनिंग पूरी कवर हो जाती है, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग एक आपका थिंकिंग से ऊपर एक टॉपिक होता है कि आप कैसा सोच रहे हो, ठीक है, आपके माइंड में कैसा चीज चल रहा है उसके ऊपर आप क्वेश्चन करने वाले हो यहाँ पे। और इस वीडियो को मैं गारंटी देता हूँ कि जब आप लोग देख लोगे तो आपकी एनमेट और स्नैप जो अभी एग्जाम चल रही है, खासकर एनमेट के लिए अभी जो चल रही है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो जब पसंद आ जाएगी जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ताकि आप लोगों को जितने आने वाले लेटेस्ट वीडियो वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हम लोग ग्रुप्स की जरूर फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे दोनों ग्रुप है एनमेट की और स्नैप की, और व्हाट्सएप पे हम लोग दोनों की कंबाइंड ग्रुप है एनमेट स्नैप 24, तो इसको जरूर फॉलो करना। इंस्टाग्राम की पेज जरूर से फॉलो कर लेना MBA_, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग करने वाले स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ठीक है। स्टेटमेंट एजम्पशन क्या होता है, मैं कुछ इस पे बातें बता देता हूँ। स्टेटमेंट क्या होता है ना, सपोज करो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दी हुई, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, लाइक राजू स्कूल जा रहा है, उसने लाइक 4 पराठे खाए, फिर लंच हुआ, स्कूल गया, ये सब बहुत सी बातें हुई स्टेटमेंट, मतलब उसके बारे में कहा गया। तो फिर एजम्पशन क्या हुआ, एजम्पशन यहाँ पे मतलब उसके बारे में आप स्टेटमेंट सब क्या है इसको एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। लाइक राजू आज ने ये पढ़ा होगा, राजू ने आज क्लास में मस्ती की होगी, ये सब मतलब उसमें आप क्या उस स्टेटमेंट को देखकर आप क्या उसमें एजम्पशन कर सकते हो, क्या उसमें आप धारणाएं, मतलब हिंदी में बोलूँ तो क्या उसमें आप धारणाएं और निष्कर्ष निकाल सकते हो, तो वो ये मेनली होता है एजम्पशन, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। Your statement is you are hereby appointed as a programmer with a probation period of 1 year, and your performance will be reviewed at the end of the period for confirmation, a line in an appointment letter. Assumption दिया हुआ है, the performance of an individual generally is not known at the time of appointment letter. Generally, an individual tries to prove his worth in the probation period. Guys, देखो यहाँ पे statement क्या दिया गया ना, आपका दिया गया प्रोबेशन पीरियड, जानते हो कि आपको देखने के लिए, मतलब प्रोबेशन पीरियड क्या होता है कि आपको मेनली जब कोई ऑफिस ज्वाइन करते हो, कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, तो प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है कि ताकि आप लोग वो जो कंपनी है वो आपको परख सके आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपके परफॉर्मेंस पे आपके जितने भी बिहेवियर है वो सब देखते हैं, मतलब जांचते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलूँ तो वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब 1 साल का किसी के साथ 6 महीना 3 महीने का होता है। तो यहाँ पे आपको एंड आपको मतलब पीरियड जब होगा तो लाइन इन अपॉइंटमेंट लेटर आपको लिखा हुआ है। एजम्पशन क्या हम लोग कर सकते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एज द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ये भी बात सही है। देखो तो परफॉर्मेंस होता है इंडिविजुअल का, वो जनरली क्या होता है हम लोग नहीं जानते एट द टाइम ऑफ, मतलब आप अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हो उस टाइम तो आपको नहीं ना पता रहता कि इंडिविजुअल कैसा परफॉर्मेंस है, जब वो ऑफिस में काम करेगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये एजम्पशन हम लोग क्या हो रहा है, ये वाला राइट हो रहा है, ठीक है। जनरली इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। अब क्या होगा, जनरली जो होता है इंडिविजुअल क्या करता है, अपना जो वर्थ है उसका जो एबिलिटी है वो शो करता है वो काम करते करते, तो ये भी बातें सही है। इसका क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट, ठीक है। मेनली आपको क्या वर्क करना है उसमें सोचना है कि क्या क्या हो सकते हैं, क्या इसमें एजम्स हो सकते हैं, एजम्सन क्या होती है, मतलब ये सही स्टेटमेंट को देख के हम लोग क्या दोनों सही होगा, ठीक है, कॉमन सी बात है। ओके आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन द स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो, एजम्पशन एट द एज ऑफ चाइल्ड रीचेस एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न, द स्कूल्स डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 ईयर ऑफ एज, ठीक है। एक बात बताना गया, स्टेटमेंट मेरा ये है कि आपको जो है इस डिजायरेबल मतलब होनी चाहिए कि स्टूडेंट मतलब चाइल्ड को स्कूल भेजना चाहिए मतलब 5 साल तक उस और उससे सो, ठीक है, और एट द एज ऑफ चाइल्ड रीचेज एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड रेडी टू लर्न, ठीक है, यहाँ पे ये बात दी हुई है। और जो द स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर, क्या ये बात सही है, क्या
6 साल बाद, जब बच्चे का 6 साल हो जाएगा तो वो एडमिट नहीं करेगी, सीधा अनएथिकल बात है ये बात है सही, ओनली वन यहाँ पे वर्ड है, ठीक है, कॉमन से है, ठीक है, आगे बढ़ते। इन ऑर्डर टू बिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड कन्वीनियंस अलाउंस। कन्वीनियंस अलाउंस क्या मतलब होता है? लाइक ट्रांसपोर्ट ये सब व्हीकल इसे प्रोवाइड करना टू आवर एम्प्लॉयज इन चार्ज ऑफ कंपनी टेल्स पर्सनल मैनेजर। एज आंसर क्या, कन्वीनियंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी, ठीक है। और डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। देखो एक बात बताना, क्या हम लोग ट्रांसपोर्ट देखे, कार बाइक से सब देखे, क्या एम्प्लॉयज को हम लोग पंक्चुअल कर सकते हैं? थोड़ी पंक्चुअल हो गाइस। क्या मैं उसको कार दे दूं तो क्या वो ट्रैफिक में नहीं फंसेगा? बाइक में दे दूं क्या वो ट्रैफिक में नहीं फंसेगा? उसी कुछ अलग प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? मैं कार और ये सब ट्रक या कुछ भी दे दूं, बाइक वाइक, तो वो क्या पंक्चुअल हो जाएगा मेरा एम्प्लॉय? नहीं होगा, ठीक है, तो वो थोड़ी हो सकता है। एक यही रीजन नहीं है गाइस, वो तो क्या हो सकता है, आप उनको बोल सकते हो बस से, ट्रेन, बहुत सारी फैसिलिटी, उनसे ही पंक्चुअल हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी कार ट्रेन से देने में आपको, मतलब कार बस ये सब देने से, कार मतलब पर्सनल अलाउंस देने से, कन्वीनियंस अलाउंस देने से वो लोग पंक्चुअल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये तो नहीं है, ये नॉट हेल्प करेगा आपको, ठीक है। हाँ बट डिसिप्लिन रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो इन हैंड, हाँ बट आपको डिसिप्लिन और रिवॉर्ड जो है, अगर लाइक बोनस दोगे ऑफिस में जो होती है, लाइक उनके अप्रेजल करोगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे, तो ये बातें सही होती है, ठीक है, तो ऑप्शन टू जो है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, पहला होगा वो साफ ही गलत होगा। ओके आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं गाइस। इन एन इलेक्शन कंडक्टेड इन विलेज एक्स, ओनली 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन द विलेज केम टू वोट। मतलब एक इलेक्शन में कंडक्टेड हो रहा है विलेज एक्स में, मतलब 20% ऑफ द टोटल वुमेन इन द विलेज केम टू वोट। एजम्पशन है कि द नंबर ऑफ मेन इन द विलेज इज मोर देन द नंबर ऑफ वुमेन इन द विलेज एक्स। एजम्पशन टू है, वुमेन हैड टू कुक फूड एंड कुड नॉट कम टू वोट। सबसे पहले गाइस जो दूसरा एजम्पशन है, दूसरा जो एजम्पशन है गाइस, ये सबसे पहले गलत हो जाएगा, वुमेन हैड टू कुक फूड एंड कुड नॉट कम टू वोट। ऐसा तो नहीं होगा कि वुमेन खाना बना रही होगी, मतलब खाना बनाती है तो यहाँ पे वो नहीं आ सकी होगी। द नंबर ऑफ मेन इन द विलेज इज मोर देन द नंबर, क्या गाइस इस स्टेटमेंट को पढ़ के आप लोग बता सकते हो, एज्यूम कर सकते हो कि नंबर ऑफ मेन ज्यादा है? यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज की बात करी है, यहाँ पे कोई आपको नंबर दी हुई है कि 20,000 में से आपको 20, मतलब 20,000 20% ऑफ द टोटल नंबर यहाँ पे, तब यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं मेन कितने असल में हो सकते थे परसेंटेज की हेल्प से, बट यहाँ पे कोई आपको टोटल नंबर नहीं दी हुई है, तो आपका जो दोनों होगा गाइस वो क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो नीदर वन और टू फॉलो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज प्रपोज अ ग्राउंड ब्रेकिंग रूल्स द दैट वुड रिक्वायर सोशल मीडिया कंपनीज टू गार्नर कंसेंट फ्रॉम सिटीजन बिफोर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग देयर पर्सनल डेटा। देखो क्या होना, इंडिया एक प्रपोज किया है कि एक रूल लाया है कि जो मेनली जो होता है ना कि आपके बिना परमिशन के वो लोग पर्सनल डेटा नहीं ले सकते सिटीजन से, मतलब हम लोग से, काम आदमी से। एजम्पशन क्या कि एज अ सोशल मीडिया कंपनीज ग्रैपल विद द स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन विच हैज रिजल्टेड इन एटलीस्ट 30 डेट्स इन इंडिया, द नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट विच इट सेल्फ इज अ बिग कंज्यूमर ऑफ सोशल मीडिया हैज शॉप टू टेक मेजर टू एड्रेस सेवरल इशूज। सम क्रिटिसिक्स कम टू हैव एक्सप्रेस कंसर्न द पर्पस रूल्स। उद्धव तिवारी ए पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर एट मोजिला सेड दिस बिल वुड रिप्रेजेंट न्यू सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू इंडियन प्राइवेसी। देखो गाइस इस स्टेटमेंट को पढ़ के सबसे पहले मेरे जो दिमाग में आया है कि आपको यहाँ बताना है कि जो सिटीजन्स है ना वो पूछ कर उनका डेटा को यूज करना है, ठीक है, जो भी कंपनी है लाइक फेसबुक व्हाट्सएप कुछ भी कंपनी ले रही है सब सोशल मीडिया। तो जो पहला जम समझ है, एज अ सोशल मीडिया कंपनी ग्रैपल विद द स्प्रेड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन विच हैज रिजल्टेड इन एटलीस्ट 30 डेट्स, ठीक है, 30 डेट्स यहाँ पे डेथ्स हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो सपोज करो व्हाट्सएप ऐसा बहुत आता था ना अफवाह सब की यहाँ ट्रेन कुछ हो गया, यहाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी चल गई, यहाँ कुछ ये सब चीज हो गया, तो उससे क्या होता था, फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होता था, और उससे बहुत लोग कभी कभी होता था ना कि डेथ्स भी हो जाती थी, ऐसा कुछ कुछ सिचुएशन आ जाता, ऐसा हुआ हुआ भी है, ठीक है, एक्चुअल में फेसबुक व्हाट्सएप की और ये सब जो स्प्रेड करते हैं फॉल्स न्यूज। तो जो ये जो स्टेटमेंट है ये हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि लाइक नरेंद्र मोदी ये पढ़ते हैं ये सब बिग कंज्यूमर, ये सब लोगों ने कोई पढ़ना है, यहाँ तक हम लोग इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट दिए भी है, ठीक है, टेक शॉट टू मेट एड्रेस सेवरल इशू। तो ये जो स्टेटमेंट है इससे ये बात रिलेट हो रही है कि इसको हम लोग को
सोशल मीडिया जो ग्रैपल है वो सिर्फ फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो होता है, तो इसको हम लोग एड्रेस करना चाहिए, तो ये बात सही होती है। जो दूसरा है, सम क्रिटिक्स आर कंसर्न ओवर द प्रपोज उद्धव तिवारी लाइक ए पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर मोजिला रिप्रेजेंट न्यूज इन इवेंट। ये देखो ये गाइस ना, यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स से सबकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ रूल्स से सभी बात हो रही है। उद्धव तिवारी के बारे में यहाँ कुछ ऐसा कुछ बात नहीं है, पब्लिक पॉलिसी ये सब की कुछ बात नहीं है स्टेटमेंट में, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गाइज मेरा जो पहला ऑप्शन होगा वो ही राइट होगा, सेकंड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट का कोई तुक ही नहीं है, यहाँ पे कोई बात ही नहीं बन रही। उद्धव तिवारी सब हम लोग क्या बोल रहे पब्लिक पॉलिसी का, वहां पे कुछ चर्चा वर्चा नहीं हुई है, तो हम लोग जब नहीं हुई है तो हम लोग क्यों उसको कंसिडर करें। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडल्ट शुड बी केयरफुल अबाउट कंज्यूमिंग अल्कोहल इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चिल्ड्रन हैव एन इम्प्रेजनेबल माइंड एंड विल ग्रो अप थिंकिंग दैट कंज्यूमिंग अल्कोहल इज हेल्दी, अल्कोहल हैज नो नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट, एंड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेलबीइंग ऑफ चिल्ड्रन एडल्ट ड्रिंकिंग इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड शुड बी पेनालाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूटली ट्रू, वीक इन द स्टेटमेंट। गाइस इसको अच्छे से पढ़ना, वीक कर रहा है, कौन सा यहाँ पे ट्रू है और उसको वीक कर रहा है गिवन स्टेटमेंट को। तो इसका जो हिंदी मतलब है क्या बोलता है, जो एडल्ट्स है शुड बी केयरफुल होना चाहिए, मतलब जो वो लोग एल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन के, मतलब बच्चों के सामने, उनको ना लाइक चिल्ड्रन हैव एन इम्प्रेसिबल माइंड, मतलब जो बच्चे होते हैं ना वो तुरंत उनको मान लेते हैं, ठीक है जो बड़े कर रहे हैं वो लोग भी करेंगे देख के, तो उसे बोल रहे हैं कि उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज से पहला जो एजम्पशन दिया हुआ है, एल्कोहल कंजम्पशन हार्मफुल बट यू कैन नॉट स्टॉप एडल्ट्स फ्रॉम ड्रिंकिंग। ठीक है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू स्टॉप एडल्ट्स फ्रॉम ड्रिंकिंग इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, दिस मीन्स दैट पेरेंट्स हैव टू गो आउटसाइड एंड इन द हाउस ड्रिंक, एडल्ट्स एंड पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड अबाउट देयर ड्यूटीज, द एक्ट ऑफ एडल्ट्स ड्रिंकिंग इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन मे बी रॉन्ग बट दे कैन नॉट पेनालाइज, लाइक ये सब दिया हुआ है। पहला ऑप्शन पढ़ा हुआ मैंने, तो एल्कोहल कंजम्पशन हार्मफुल क्या ये वीक कर रहा है, वीकेंड द स्टैंड, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन। ठीक है, इफ थ्रू मतलब या कि अल्कोहल का जो हार्मफुल है बट यू कैन नॉट स्टॉप फ्रॉम एडल्ट, ठीक है सही बात है, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते हो, ठीक है बट ये वीक नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, कौन सा इसको वीक कर रहा है, तो ये मुझे वीक नहीं लग रहा है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू स्टॉप एल्कोहल ड्रिंक, दिस मीन्स पेरेंट हैव टू गो, ये एक सही बात है गाइस, कि अगर आप लोग इस एडल्ट को स्टॉप नहीं कर सकते हो अल्कोहल कंज्यूम करने से, तो इससे अच्छा आप आउटसाइड जाकर पियो, होता है ना ऐसा, रियल लाइफ में भी होता है ऐसा, सब लोग बाढ़ ये सब को यूज करते हैं, तो ये बात सही है, प्रैक्टिकल लेकर चलो, एडल्ट एंड पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड इन द ड्यूटीज। ड्यूटीज की बात कहाँ से आएगी, चिल्ड्रन कोई ड्यूटीज ऐसा थोड़ी रहता है कि अपने अपने ड्यूटी निभाता है, ये तो अनएथिकल बात हो गई। द एक्ट ऑफ एडल्ट ड्रिंकिंग इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन मे बी रॉन्ग, दे कैन नॉट पेनालाइज, ये भी सही नहीं है गाइस, यहाँ पे एडल्ट्स आर ड्रिंकिंग पेनालाइज, ठीक है ये सब सही नहीं है, और नॉन ऑफ वो होगा नहीं, तो ओनली जो वन ऑप्शन हो, मतलब जो बी जो है यहाँ पे सही है, ठीक है ओनली बी यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, मतलब बाहर जाके अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हो, बाकी सब जो है उसको वीक नहीं कर पा रहा था, बट ये जो है या इसको जो है ये वीक कर रहा है ये स्टेटमेंट को, मतलब बाहर जाके पीना, मतलब गो आउटसाइड एंड ड्रिंक, ठीक है तो ये ना इस स्टेटमेंट को जो है ये पूरा वीक कर रहा है, बाकी सब जो है वो उसका ही साथ है, मतलब लाइक एक तरह से सपोर्ट हो रहा है वहां पे, ठीक है बट ये जो है स्टेटमेंट वो वीक कर रहा है। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्या है, ए कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सिक्योर अ गुड जॉब, एजम्पशन में ऑल गुड जॉब्स रिक्वायर अ कॉलेज डिग्री, या फिर हैविंग अ कॉलेज डिग्री इंक्रीजेस द चांस ऑफ सिक्योरिंग अ गुड जॉब, क्या हो जाएगा इसमें। देखो जो कॉलेज डिग्री इज नेसेसरी टू गुड जॉब, ऑल गुड जॉब्स रिक्वायर्ड कॉलेज डिग्री, क्या जितने भी सारे अच्छे जॉब है वो कॉलेज डिग्री होते हैं रिक्वायर्ड कॉलेज, नहीं ये बात पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या आपको जब फैशन डिजाइनर बनना है तो उसके लिए क्या है कॉलेज डिग्री होना चाहिए, मॉडलिंग करना उसके कॉलेज डिग्री होना चाहिए, हीरो हीरोइन बनना है तो आपको कॉलेज डिग्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना गाइस, ऐसा थोड़ी है कि आपको एक शाहरुख खान के कॉलेज डिग्री से कॉलेज डिग्री दिखा के वो शाहरुख खान बना, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, हैविंग अ कॉलेज डिग्री इंक्रीज चांस ऑफ सेकेंड, या ये बात सही है गाइस, ठीक है ये बात है, आप ये हैविंग अ कॉलेज डिग्री जो है ये जो है आपका जो है इंक्रीज द चांस ऑफ सिक्योरिंग अ गुड जॉब, ठीक है क्या ये जो हैविंग अ कॉलेज डिग्री इंक्रीज द चांस ऑफ सिक्योरिंग गुड जॉब, क्या ये होता है इंक्रीज द चांस ऑफ गुड जॉब, ये बात सही है कि नहीं,
या गाइस मेरे हिसाब से ये जो है हैविंग अ कॉलेज डिग्री इंक्रीज इन चांस ऑफ गुड जॉब। हाँ ये हो सकता है गाइस कि आपके पास कॉलेज डिग्री है तो वो गुड जॉब के चांस आपको दे सकता है, ठीक है। चांस आपको, ऐसा नहीं कि मैं 100% श्योर बोल रहा हूँ, ठीक है, बट आपको चांस एक दे सकता है, तो आपको ओनली बी हो सकता है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, एट को देखो। एट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू होल्ड अ ग्रैंड फंक्शन टू सेलिब्रेट लाइक जुबली नेक्स्ट वीकेंड एंड इनवाइटेड अ लार्ज नंबर ऑफ गेस्ट। असम्पशन द कंपनी ऑफिशियल मे बी एबल टू मेक ऑल द नेसेसरी प्रिपरेशन फॉर द सेलिब्रेशन एंड मेजोरिटी ऑफ द गेस्ट इनवाइटेड बाय चेयरमैन मे बी अटेंड द फंक्शन। क्या होगा इसमें गाइस, इसका क्या होगा? लाइक देखो यहाँ पे जो है कि मेजोरिटी है जो यहाँ पे चेयरमैन जो इनवाइट मतलब ग्रैंड फंक्शन करने वाले हैं यहाँ पे सेलिब्रेट नेक्स्ट वीकेंड इनवाइट लार्ज नंबर ऑफ गेस्ट यहाँ पे बुलाने वाले हैं। कंपनी ऑफ डिसाइड एबल टू मेक ऑल द नेसेसरी प्रिपरेशन, ये सब तो हो गई प्रिपरेशन, सही बात है। तो मेजोरिटी गेन इनवाइटेड चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन का ही ना कंपनी डिसाइड किया है, मतलब चेयरमैन ने ही डिसाइड किया है, तो उनके मेजोरिटी ऑफ गेस्ट मतलब गेस्ट इन्वाइटेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ वन एंड टू इम्प्लिसिट हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। लाइक बाई एक्स टीवी फॉर बेटर साउंड क्वालिटी एंड एडवर्टाइजमेंट। एक्स टीवी इज द ओनली टीवी इन द मार्केट, क्या एक्स टीवी है ओनली टीवी इन द मार्केट है, क्या ये बात सही है? नहीं। एक्स टीवी इज द कॉस्टलेट, क्या कोई कॉस्टलेस की बात हुई है? नहीं है। पीपल जनरली इग्नोर सच एडवर्टाइजमेंट, क्या पीपल सारे जनरली इग्नोर करते एडवर्टाइजमेंट? नहीं, ऐसा बात नहीं। आप होर्डिंग्स देखते हो तो आप उसको देखते हो ना, रास्ते पे कभी जा रहे हो, बहुत सारा थोड़ी सब पीपल इग्नोर करके चल रहे हैं, तो फिर एडवर्टाइजमेंट ही क्यों चलेगा फिर? तो ये भी बात गलत है। तो नॉन ऑफ द एजम्पशन इज इम्प्लिसिट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द विक्टम्स ऑफ इम्बैलेंस इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर द लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट एंड इलिटरेट पीपल हु आर इकोनॉमिकली वीक। विक्टम जो है इम्बैलेंस इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर द लार्ज एंड इलिटरेट एंड इलिटरेट हु आर इकोनॉमिकली वीक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज टेकन प्लेस मेनली ऑन द पॉलिटिकल पॉलिटिकल कंसीडरेशन दैट ड्राइवर्स इनवेरेबली गेट अफेक्टेड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या होगा इसका गाइस? ठीक है देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज टेकन प्लेस मेनली इन द पॉलिटिकल कंसीडरेशन। देखो जो भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है आपको जो मेनली होता है उसमें पॉलिटिकल कंसीडरेशन होने होता ही है, जबकि जब तक नेता लोगों से अप्रूवल नहीं मिलेगा, चीफ मिनिस्टर जो भी है जितने लीडर्स है, तो वो सही बात है, कंसिडर होना चाहिए, इसके कंसिडर रहता है। ट्राइबल्स इन्वायरमेंटली गेट एडवर्टली अफेक्टेड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे विक्टम्स जो है, यहाँ पे जो विक्टम्स की बातें हुई है यहाँ पे, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे जो बात हुई है मैं एक्शन गलत पढ़ लिया आई थिंक। देखो यहाँ क्या बात हुई है गाइस कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज टेकन मेनली इन द पॉलिटिकल कंसीडरेशन। यहाँ पे कोई गाइस कोई पॉलिटिकल कंसीडरेशन की बात हुई नहीं है, ठीक है। आपको मेनली जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोई सिर्फ पॉलिटिकल कंसीडरेशन से ही होता है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। मैंने अलग वहां पढ़ लिया था उससे पहले, ठीक है। तो ये बात गलत है गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल, उसमें बहुत सारे और भी चीजें होती है, बाकी सारे की और सी परमिशन होती है, तो ये हम लोग कह नहीं सकते हैं यहाँ पे। द ट्राइबल्स इन्वेस्टिंग, यहाँ पे विक्टम्स से बात हो रही है, विक्टम्स में कौन कौन है मुझे पता नहीं है गाइस हम लोगों को, तो ये भी बातें गलत है। तो हम लोग ट्राइबल्स ही नहीं बोल सकते, इसमें बहुत सारे और भी जुड़े हो सकते हैं, तो हम लोग का नेदर वन और टू इम्प्लिसिट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ऑल द पैसेंजर ऑफ डमशैक एयरलाइंस आर रिक्वेस्टेड चेक द स्टेटस ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन बिफोर लीविंग टू एयरपोर्ट, टू हेवी स्टॉर्म इज कॉजिंग इमेंस प्रॉब्लम टू नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशंस। यहाँ पे क्या हुआ है ना, जो ऑल ऑल द पैसेंजर डमशैक एयरलाइंस का रिक्वेस्टेड किया गया है टू चेक द स्टेटस ऑफ फ्लाइट, क्यों? क्योंकि जो हेवी स्टॉर्म्स की यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशन पे। अब देखो एजम्पशन में मोस्ट ऑफ द पैसेंजर में कैंसिल, क्या बहुत सारे पैसेंजर कैंसिल कर सकते हैं और अपना पोस्टपोन कर सकते हैं जर्नी को। दूसरा है गवर्नमेंट टेक सीरियस ऑब्जेक्शन टू द नोटिस इशूड बाय डमशेक एयरलाइंस। क्या हो जाएगा इसका? देखो गाइस सबसे पहला जो है ये सबसे पहले करेक्ट होगा कि सबसे पहले जो हेवी स्टॉर्म के चलते आपको काफी सारे जो पैसेंजर है वो कैंसिल करेंगे अपना टिकट और पोस्टपोन करेंगे अपना जर्नी, और जो गवर्नमेंट टेक सीरियस ऑब्जेक्शन। अब देखो गाइस सबसे पहले आप गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन देखोगे क्या कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उससे पहले तो अपना टिकट कैंसिल करोगे। अब गवर्नमेंट का थोड़ी आप देखोगे कि गवर्नमेंट क्या सीरियस क्या ले रही है, आप तो सबसे पहले अपना जान देखोगे ना कि गवर्नमेंट क्या ये सब सीरियस इस ऑब्जेक्शन ले रही है, वो थोड़ी आपको देखना है। तो इसमें गवर्नमेंट का उतना कोई यहाँ पे रूल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना देखो कि मेरा जो है, मैं सबसे पहले टिकट कैंसिल करूंगा, उसके बाद मैं अपना पोस्टपोन करूंगा जर्नी को, जिसका जो ओनली वन ओनली ऑप्शन वन जो होगा वन इम्प्लिसिट करेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस,
अब गाइस हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे क्या होता है कि सबसे पहले आपको स्टेटमेंट एक दी रहती है, यहाँ पे कुछ कुछ स्टेटमेंट दे रही है। कंक्लूजन मतलब क्या, उसमें आप कंक्लूड कर सकते हो, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो उसमें से, ठीक है। मतलब उसमें से जो बड़े बड़े स्टेटमेंट है उसमें से आप क्या समझे हो वो सबको मिलाकर आप छोटा सा कंक्लूजन निकालते हो, पढ़ते हो ना कंक्लूजन क्या निकालना, ठीक है, निष्कर्ष। तो यहाँ पे आपको मेनली ये करना रहता है। अब इस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम लोग समझ में आ जाएगा। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द मेजोरिटी ऑफ द बैंक कस्टमर रेगुलरली यूज ऑटोमेटिक लाइक एटीएम एंड टूडे वेस्टर्न यूथ हैव नॉट नोन विदाउट अ वर्ल्ड विद फॉर देम फॉर द प्रिवेलिंग परसिस्टेंट कैश मशीन इंस्टेड ऑफ ए टूल प्रोवाइडिंग अ फैमिलियर फंक्शनैलिटी ऑफ बेसिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड डिस्पेंसिंग कैश। इन्फ्लुएंस दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब इन्फ्लुएंस में कंक्लूजन ही होता है एक तरह से, इन्फ्लुएंस में कंक्लूजन। द प्लास्टिक कार्ड इज रिप्लेसिंग चेक एंड पर्सनल इंडेबटनेस ऑफ द कंज्यूमर कस्टमर। इट हैज टेकन अप्रोक्सीमेटली 30 years टू एस्टेब्लिश एटीएम एंड यूबिकस एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक वॉकअप एंड यूज डिवाइसेस। क्या हो जाएगा इसमें, देखो जो यहाँ पे जो मैं आपको हिंदी में समझाऊँ तो यहाँ पे बोला जा रहा है एटीएम मशीन का आज के जमाने में बहुत ही यूज हो रहा है, जो यूथ है इसके ऊपर निर्भर है, इसके बिना वो लोग कुछ सोच नहीं पा रहे, मतलब उनको कुछ दिखता नहीं है। और से क्या हो रहा है, डिस्पेंसिंग कैश, मतलब कैश यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि अब ज्यादा डिजिटलाइज हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब वहां से जाते हैं निकालते हैं, बैंक में तो जाना है नहीं, ठीक है, बहुत कम ही जाते हैं। तो प्लास्टिक कार्ड का मेनली जो यहाँ पे कंक्लूजन वन में दिया जा रहा है एटीएम कार्ड के बारे में, ये रिप्लेसिंग चेक, सही बात है, रिप्लेस कर रहा है चेक को एंड पर्सनल अटेंडेंस टू द कस्टमर, ठीक है, सही बात है। एंड इट हैज टेक अप्रोक्सीमेट 30 years टू एस्टेब्लिश। अबे गाइस यहाँ बताओ ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है, यहाँ पे कोई ईयर्स का बात हुआ है कि एटीएम कब हुआ आया क्या हिस्ट्री के बारे में कुछ हुआ पता, ये कुछ बातें नहीं बता रहा है। ओनली यहाँ पे ओनली ऑप्शन जो वन है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे ओनली ऑप्शन वन हो जाएगा इस यहाँ पे आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट है व्हीकल स्क्रैपेज स्कीम इज लाइकली टू शेड इन सिग्निफिकेंट चेंज इन द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड एक्सपेक्टेड टू जनरेट डिमांड फॉर न्यू व्हीकल स्पेशली कमर्शियल व्हीकल। मेन क्या हो रहा है ना, जो व्हीकल होता है ना जो पुराना हो जाता है उसको कबाड़ के लाइक हटाना चाहते हैं वो लोग, मेनली सरकार उसको चाहते हैं कि न्यू व्हीकल लोग खरीदे या फिर कमर्शियल जो व्हीकल है बस ट्रेन ये सबका यूज करे, ठीक है, ये सब बताया जा रहा है यहाँ पे। कंक्लूजन जो है स्क्रैपेज पॉलिसी कुड चेंज इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर स्क्रैपेज लाइकली टू एस्टेब्लिश इन 4 जोन्स। सबसे पहला गाइज या स्क्रैपेज पॉलिसी है चेंज कर सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर को, बात सही है गाइज। और जो स्क्रैप यार्ड है लाइकली टू एस्टेब्लिश इन 4 जोन, यहाँ पे कोई जोन्स का बात हुआ है गाइस स्टेटमेंट को पढ़ के, नहीं हटा दो सीधा, फिर स्टेटमेंट ओनली वन कैन बी कंक्लूडेड हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इन वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन मेड बाय ए टीम वेयर 200 आउट ऑफ दिस 160 रन्स वेट मेयर स्पिनर्स। कंक्लूजन 80% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर द ओपनिंग बैट्समैन वेयर स्पिनर्स। अब बताओ गाइस जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पढ़ी है यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि 80% जो टीम है वो कंसिस्ट ऑफ स्पिनर है, क्या जो रन बनाया सबसे ज्यादा मैं बता सकता हूँ कि 80% स्पिनर ही हो सकता है, ऐसा थोड़ी है, कोई बात थोड़ी दिया हुआ है गाइस 80% आपको यहाँ पे स्पिनर्स ही होंगे, ठीक है, तो ये बातें सही नहीं है। और तो ओपनिंग बैट्समैन में क्या यहाँ पे बात है कि ओपनिंग बैट्समैन की स्पिनर ही है, स्पिनर है यहाँ पे, कोई बातें यहाँ पे दी हुई है तो मैं कैसे इसको कंक्लूड कर दूंगा, तो दोनों गलत है गाइस यहाँ पे, दोनों यहाँ पे गलत है, नीदर वन और टू फॉलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट गवर्नमेंट हैज स्पॉइल्ड मेनी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट्स एज डायरेक्टर ऑफ दिस। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब मींस होता है गाइस यहाँ पे एक तरह से सर्वेंट होता है, ठीक है, सर्वेंट होता है मतलब एक पब्लिक सर्वेंट मैं बोल सकता हूँ, लाइक बहुत सारे होते हैं ना आई है, मतलब जो सर्वेंट का काम करते हैं लाइक पुलिस डिपार्टमेंट में हो गया, बहुत सारे हो गया आईएएस आईपीएस ये सब, ठीक है, डायरेक्टर के जगह मतलब, ठीक है, मतलब लीडर लोग के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस यहाँ पे कि गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंस इंस्टीट्यूट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द एक्सपर्टाइज ऑफ द पर्सन इन द एरिया ऑफ फाइनेंस। द डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुड हैव एक्सपर्टाइज इन डेमोंस्ट्रेट विद द फाइनेंशियल वर्क कैरियड आउट बाय द इंस्टीट्यूट। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक सेकेंड गाइस, तो गाइज यहाँ पे क्या बोला, गवर्नमेंट जो है स्पॉइल कर गया मेनी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल बाय अपॉइंटिंग जो है, मतलब एक तरह का पब्लिक सर्वेंट को यहाँ हायर करके जो एज अ डायरेक्टर के बदले वो इंस्टीट्यूट सबका क्या हो गया एक तरह से बर्बाद हो रहा है, ठीक है, वो स्पॉइल हो गया काफी सारे, मतलब आप एक सर्वेंट को एक रख लोगे डायरेक्टर के जगह, ठीक
तो क्या एक तरह से बर्बाद ही होगा। द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर एज द ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टेकिंग द कंसिडरेशन एक्सपर्टाइज जो उस फील्ड में होना चाहिए, वो बात सही है, एक्सपर्टाइज होना चाहिए। डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुड हैव एक्सपर्टाइज कमिश्नड विद द फाइनेंशियल वर्क कैरियड आउट द इंस्टीट्यूट, ये भी बात सही है। इसका जो होगा गाइस, इसका जो होगा आंसर वो ई हो जाएगा, ठीक है, बोथ वन एंड टू फॉलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज कपल विद डिप्लेंटिंग रिसोर्सेज इज गोइंग टू बी सिनेरियो ऑफ मेनी डेवलपिंग कंट्रीज इन डे टू कम, मतलब पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है काफी ज्यादा, तो उससे क्या हो रहा है, डिप्लेंटिंग रिसोर्सेज हो रहा है, ठीक है, मतलब उससे कम होते जा रहे रिसोर्सेज, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, जापान, मतलब चाइना, ये सब। द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर, इट इज विट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री टू प्रोवाइड इट्स पीपल डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो पहला जो है, द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री विल नॉट कंटिन्यू इंक्रीज, अब देखो ये बातें यहाँ पे सच हो रही है क्या, क्या मैं बोल सकता हूँ कि द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री विल नॉट इंक्रीज इन फ्यूचर, ये कोई साबित है गाइस कि आगे बढ़ेगी नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ, सीधा काट दो, स्टेटमेंट ही आपका सीधा यहाँ पे सत्य वचन है, इसको पढ़ के जो यहाँ पे बातें लिखी हुई है वो यहाँ पे नहीं है, तो सीधा काट दो, है तो स्टिक कर दो, ठीक है, यही सत्य है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड, देखो गाइस अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगा, रिसोर्स कम होगा, तो वो क्या क्वालिटी, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकेंगे गवर्नमेंट, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये बात सही है गाइस, तो ओनली कंक्लूजन यहाँ पे टू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीएड इन द मिनिमम फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री, हाउएवर द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जाम, फाइनल ईयर एग्जाम आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई ऑन द कंडीशन दैट दे सबमिट द मार्कशीट बाय 31 जुलाई। कंक्लूजन है, द कैंडिडेट्स हु आर येट टू गेट ग्रेजुएशन डिग्रीज विल बी देयर इन द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड वंस, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड फर्स्ट क्लास डिग्री विल बी देयर इन द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब गाइस मुझे बताना है, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, जो एलिजिबिलिटी होता है ना, लाइक एमबीए में एलिजिबिलिटी होता है, 10, 12 ग्रेजुएशन, ये सब का बहुत सारे कॉलेज में एग्जाम में, एक तरह से उसी को समझो कि एलिजिबिलिटी है जो एडमिशन बीएड में मिनिमम फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, हाउएवर द कैंडिडेट हु हैव अटेंडेड द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, तो उनको सबमिट करना है 31 जुलाई तक उनका मार्कशीट। अब कैंडिडेट्स हु आर येट टू गेट द फाइनल डिग्री विल बी देयर इन द लिस्ट, अब देखो यहाँ बताया जा रहा है कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे कि हु आर येट टू देयर ग्रेजुएशन डिग्री विल बी देयर इन द लिस्ट सिलेक्टेड वंस, अब बताओ कि जो जिनको कॉलेज डिग्री मिल चुका है, मतलब मिल गया है, तो वो क्या लिस्ट में आ ही जाएंगे, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गाइस, आपको नहीं बोला है कि सीधा आप सिलेक्ट हो जाएंगे, सीधा कॉलेज डिग्री आपको मिलते ही, यहाँ पे सिर्फ एलिजिबिलिटी बताया है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, दिस इज ओनली टेल अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नॉट टेल अबाउट द सिलेक्टेड वंस, तो ये कैसे आप सिलेक्ट कर लोगे स्टूडेंट भर के। दूसरा, ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन फर्स्ट क्लास डिग्री विल बी द सिलेक्टेड द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ये भी बातें गलत, आपको सिर्फ सिलेक्ट नहीं कर रहा है, सिलेक्टेड कैंडिडेट आप कैसे हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एलिजिबिलिटी बता रहा है यहाँ पे, सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पे कोई सिलेक्शन का नहीं बता रहे कि आपको इतना आया तो फर्स्ट क्लास, तो आपको एडमिशन हो ही जाएगा, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी है, तो गाइज ये ट्रैप होता है एग्जाम को फंसाने का, ठीक है, तो ये दोनों कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, आगे मतलब नीदर वन और टू फॉलो यहाँ पे होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट एविडेंस ऑफ इंडियन ग्लोरियस पास्ट इज ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द वेस्ट, आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया, एलोपैथिक जो है, एलोपैथिक मेडिसिन आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया, क्या गाइज मुझे ये स्टेटमेंट पढ़ के ये दोनों बातें सही है, मतलब यहाँ पे जो बेस्ट एविडेंस बताया ना, इंडिया ग्लोरियस पास्ट ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इन इंडिया, आप बताओ आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया, यहाँ पे तो बोल रहे हैं ना कि वेस्ट में यहाँ पॉपुलर, आप ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि इंडिया में पूरा पॉपुलर है कि नहीं, मतलब यह बात मैं निष्कर्ष नहीं निकाल सकता हूँ, तो ये मैं नहीं बता सकता अभी, ठीक है, एलोपैथिक मेडिसिन आर नॉट पॉपुलर, यहाँ पे एलोपैथिक कोई बात नहीं हुआ है, हटा दो, नीदर वन और नॉट टू फॉलो, ठीक है, जो है सही है, नहीं है नहीं है, काट दो उसको, सोचना ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट, योर लाइफ विल बी डल, ठीक है, योर लाइफ विल बी डल इफ यू डोंट फेस अ प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम यू शुड ऑलवेज हैव सम सॉल्यूशन विथ यू,
ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो तो आपके पास एक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखो गाइस, हम लोग इस पे आते हैं, द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम्स। देखो गाइस, मुझे यहाँ पे बताना कि आपको ये वाला स्टेटमेंट पढ़ के आप क्या समझो यहाँ पे कि योर लाइफ विल बी डल इफ यू नॉट फेस ए प्रॉब्लम। यहाँ पे कुछ बातें हैं नहीं है, हटा दो। यू टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम यू शुड ऑलवेज कम सोल्यूशन विथ यू। तो यहाँ पे बस आया कि सर बेस्ट वे टू प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट पूरा नहीं बताया कि क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको निष्कर्ष नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो दिस इज नीदर वन और नॉट टू फॉलो। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टूडेंट विल हैव द ऑप्शन ऑफ ड्रॉपिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर देयर स्कूलिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। स्टूडेंट हु आर वीक इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विल बी एडमिटेड। अर्लियर स्टूडेंट डिड नॉट हैव द चॉइस ऑफ कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन विदाउट टेकिंग दीज सब्जेक्ट्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर जो है साइंस स्टूडेंट विल हैव एन ऑप्शन ड्रॉपिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस हो जाए फॉर द स्कूलिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। स्टूडेंट हु आर वीक इन मैथमेटिक्स विल बी एडमिटेड। या एक बात सही है कि जो स्टूडेंट वीक होंगे वही इसमें जाएंगे, सही है। अर्लियर स्टूडेंट डिड नॉट हैव इट्स चॉइस ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। अब या अब देखो, अर्लियर ऐसा हुआ होगा तभी तो ये रूल आया, पहले हुआ होगा ऐसा कि नहीं होता होगा ऑप्शन, तभी तो ये रूल आया। ये भी बात है सही है, बोथ वन एंड टू ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ता है। अब हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दी रहती है और यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन दी रहती है। लाइक आपका एक्शन क्या है, आप एक समय कोर्स ऑफ एक्शन जब भी आप बनाओगे तो अपने आपको एक, आप क्या करो, कलेक्टर समझ लो या फिर एक लीडर समझ लो कि आप वहां पर अगर ये रहते तो आपका क्या वहां पे एक्शन होता, आप क्या वहां पे अपना डिसीजन ले सकते थे कुछ घटित हो रहा हो। ठीक है, तो आपको मेनली यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन भी यही बोलना रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। द चैलेंजेस डेट माउंटेन ट्रायल एंड कैंपसाइट फेस आर नॉट एन एक्सेप्शन अदर पॉपुलर ट्रायल्स टू ग्रैपल विद सिमिलर वेस्ट इशू। यहाँ पे क्या बोला है, माउंटेन ट्रायल जो होते हैं ना, लाइक आप देखते होंगे कि उत्तराखंड ये सब में जाते होंगे माउंटेनिंग करने, पहाड़ पर चढ़ाई करने, तो वहां पे क्या होता है ना कि उससे जो होता है वेस्ट मटेरियल बहुत हो जाता है, काफी ज्यादा वेस्ट करते हैं लोग, इधर उधर सामान वामान फेंक वेंक के, मतलब कचरा बहुत ज्यादा होता है वहां पे, सिमिलर वेस्ट इशू होता है। ठीक है, जो हम लोग मतलब माउंटेनिंग करने जाते हैं पहाड़ के सर पे, वहां क्या बोल रहे हैं ना, ओवरनाइट कैंपिंग ऑन द ट्रेल शुड बी बैंड फॉर ट्रेवलर्स एज वेल एज लोकल, स्ट्रिक्ट फाइन शुड बी इम्पोज टू द फॉरनर विद। अब देखो गाइस, ये अनएथिकल बात है कि आप स्ट्रिक्ट फाइन करोगे सिर्फ फॉरनर्स पे, आप इंडियंस पे नहीं कर रहे, ये बात सही है, अनएथिकल नहीं आपको लेना है डिसीजन अगर आप एक लीडर हो या फिर वहां पे उस डीएम हो उस सिटी के या फिर आप कलेक्टर हो, तो ये बातें नहीं है, ये अनएथिकल बात है। अब देखो ओवरनाइट कैंपिंग है वो आप बैन कर सकते हो, कैसे, देखो अगर आप सपोज करो आपको वेस्ट इश्यूज बहुत आ रही है तो आप एक काम करो ना कि ओवरनाइट ट्रैवल ना अभी बंद कर दो, ओवरनाइट कैंपिंग जो है, क्योंकि ओवरनाइट में क्या होता है ना, लोग हमें खाना पकाएंगे, बहुत चीज लाइक दिया जलाएंगे, मतलब बहुत सारे वहां पे कंजप्शन होगी चीजें, तो ओवरनाइट कैंपिंग से थोड़ा और ज्यादा वेस्ट होगा। और दिन में आएंगे तो लोग क्या करेंगे वहां पे, दिन में आएंगे लोग खाए पियेंगे फिर चले जा सकते हैं, बट ओवरनाइट से वहां पे रुकेंगे टेंट वेंट लगाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा और वेस्टेज होगा। ठीक है, तो आपको टेम्परोरी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये डिसीजन अभी ले सकते हो, ओवरनाइट कैंपिंग बैंड एज ट्रैवलर एज लोकल इन इंडिया। ठीक है, ये आप अभी के लिए ले सकते हो क्योंकि आप वेस्ट को बचाना है, फिर आगे जाके आप ओपन कर देना आपकी मर्जी, फिर ऐसा होगा तो आप फिर कर सकते हो। तो आपको जल्दी से जल्दी क्या डिसीजन ले सकते हो, एक्शन क्या ले सकते हो, ये वाला बेस्ट आ रहा है, तो आप ऑप्शन जो है वन फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े। प्राइम मिनिस्टर अनाउंस रिलीफ पैकेज फॉर फ्लड हिट गुजरात आफ्टर टेकिंग एन एरियल सर्वे ऑफ द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एज हेवी रेन्स कंटिन्यू टू बैटर मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा, रेस्क्यू ऑफ रिलीफ ऑपरेशन शुड स्टार्टेड इन फुल स्विंग, फूड पैकेट्स शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अफेक्टेड विलेजेस यूजिंग IF choppers when Indian air like helicopter can be passed into service, the Prime Minister should announce like 2 लाख उनको देंगे एंड जो मरे हैं और 50,000 रुपये सब इंजर्ड को दिया जाएगा, ये सब बातें दी गई है। गाइस हम लोग को तुरंत यहाँ पे एक्शन लेना, देखो कोर्स ऑफ एक्शन में ना आपको तुरंत क्या डिसीजन ले रहे हो वो आपको बताना है कि आप तुरंत में वहां पे डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को तुरंत में क्या डिसीजन लेना है, ठीक है, तो वो देखते हैं कि देखो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है रेस्क्यू रिलीफ ऑफ शुड बी स्टार्टेड इन फुल स्विंग, बातें सही है,
ये बात सही है, फुल स्विंग होने चाहिए। अब फूड पैकेट जो है चॉपर से भिजवाना चाहिए ना, देखते हो ना हेलीकॉप्टर से भर के भिजवाया जाता है, सेंड किया जाता है, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, नीचे खाना पहुंचाया जा रहा है, न्यूज में आता है कभी हो जाता है, तो ये भी बात सही है। अब देखो जब ये चीज हुआ है तो आप 2 लाख रुपए तुरंत ऊपर थोड़ी फेंक दोगे, हेलीकॉप्टर में 2,50,000 रुपये ऊपर से नहीं गिरा दोगे, थोड़ी देर बाद करोगे, तो आपको तुरंत में क्या कर सकते हो, ये दोनों चीज करोगे ना, तुरंत में 2 लाख रुपए थोड़ी दे दोगे, आप अकाउंट देखोगे ये सब चीज देखोगे तब दोगे, जांचोगे अच्छे से तब, तो ये दोनों ऑप्शन आप तुरंत में एक्शन में ले सकते हो, तो ओनली ऑप्शन ओनली 2 एंड 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्रैफिक कंजेशन इन द सिटी हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ड्यूरिंग द पीक आवर्स, फोर्स ऑफ एक्शन है इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस टू प्रोवाइड वैलेबल अल्टरनेटिव टू प्राइवेट व्हीकल्स, इम्पोज हेफ्टी फाइंस ऑन इंडिविजुअल ड्राइवर ड्यूरिंग पीक आवर्स। क्या होगा यहाँ पे, आप देखो जो ट्रैफिक कंजेशन सिटी है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ड्यूरिंग पीक आवर, इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो करना चाहिए, या फिर हेफ्टी फाइंस आपको देना चाहिए, आप बताओ पीक आवर क्या 55, ये तो अनएथिकल बात है, या इम्प्रूव आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन करो, बस ये सब जल्दी ज्यादा चलाओ, मेट्रो चलाओ, ये सब है, तो ये सब आप डिसीजन ले सकते हो एज अ लीडर, एज अ डीएम, एज अ कलेक्टर, तो ओनली ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट सी यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, रिपोर्ट्स ऑफ एक्शन में। आगे बढ़ते हैं, इन सिटी एक्स कोविड एंड केसेस आर इंक्रीजिंग रैपिडली, गवर्नमेंट शुड स्टार्ट मास टेस्टिंग ऑल हॉस्पिटल इन एक्स टू रिवर्स फॉर द सिटीजन, ये अनएथिकल बात है गाइस, मैंने स्टेटमेंट पढ़ के ही बता दिया कि क्या आप क्या गाइस रिजर्व करोगे अपने रेसिडेंट के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं करोगे, ये आप एक अलग गलत लीडर के तरह से सोच रहे हो, तो ये गाइस नहीं होगा, गवर्नमेंट शुड स्टार्ट मेस मास टेस्टिंग, मास टेस्टिंग तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए, तो ओनली ऑप्शन ये हो जाएगा यहाँ पे इम्प्लिसिट। ठीक है, 5 पे बढ़ते हैं, द पुलिस डिपार्टमेंट हैज कम अंडर द कोड एक्सट्रेडिशन रेगुलेशन दैट एट लीस्ट 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर आर सस्पेक्टेड टू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन इलीगल केस सेल ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेपन्स फ्रॉम द स्टेट पुलिस अमाउंट, तो मतलब यहाँ पकड़ा गया है 2 पुलिस ऑफिसर को, मतलब यहाँ पे कि वो लोग वेपन सब इलीगल यहाँ पे धंधा कर रहे थे। कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कि यहाँ पे ए थ्रू इन्वेस्टिगेशन शुड बी ऑर्डर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, टू ब्रिंग आउट ऑल इन्वॉल्व इन दिस लीगल केस, ठीक है, लीगल सेल ऑफ आर्म्स, स्टेट पुलिस आर्मरी शुड बी केप्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल। अब देखो पहला जो मैंने पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग आउट, मतलब ऑर्डर जो है स्टेट गवर्नमेंट दिया गया था, तो पहला जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था तो पुलिस डिपार्टमेंट केम अंडर रियलाइजेशन ऑल मतलब फ्रॉम द स्टेट पुलिस आर्मरी, यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये बात सही है, स्टेट गवर्नमेंट का ही है, पुलिस आर्मरी शुड बी केप्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल, यहाँ पे कोई दिया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल के बारे में नहीं, मतलब पुलिस आर्मरी इसके अंदर कंट्रोल में ये बातें नहीं है, तो ये हम लोग कैसे हो जाएगा, तो ओनली ऑप्शन ए फॉलो हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेन डिरेल नियर स्टेशन व्हाइल मूविंग ओवर ए ब्रिज एंड फेल इनटू अ रिवर रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 65 पीपल, रेलवे ऑफिशियल्स शुड क्लैरिफाई द रीजन ऑफ द एक्सीडेंट टू द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट शुड एलोकेट फंड टू द कंपनसेट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड, द प्रोटेक्शन वॉल्स ऑफ द ब्रिज शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग इनफ टू अवॉइड सच एक्सीडेंट, ये तीनों बातें सही है गाइस, कि जो है रेलवे अथॉरिटी क्लैरिफाई करना चाहिए क्यों एक्सीडेंट हुआ, एलोकेट करना चाहिए फंड यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पे जरूर से बनवाना चाहिए, शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग, ताकि वो जो ट्रेन है जो पुल पे से गिरने से, तीनों यहाँ पे ऑप्शन सही है, ऑल फॉलो। ठीक है, क्लियर है, इजी सा था ये वाला। आगे बढ़ते हैं, पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग बिकॉज द पीपल हु आर डिसाइडिंग टू और हाउ टू टैकल इट नो एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट द पुअर, ठीक है, मतलब पॉवर्टी क्यों इंक्रीज हुआ, बिकॉज पीपल हु आर डिसाइडिंग हाउ टू टैकल इट नो नथिंग एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट द पुअर, मतलब जो इसको अच्छे से टैकल कर रहे थे ना, वो इतना सोचते नहीं कि अबाउट द क्या है यहाँ पे, ठीक है, डिसीजन मेकर शुड गो टू द ग्रास रूट लेवल, द डिसीजन मेकिंग शुड कम फ्रॉम द पुअरेस्ट सेक्शन टू सोसाइटी, ए न्यू सेट ऑफ डिसीजन मेकर शुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वन, क्या होगा गाइस यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो होगा गाइस, यहाँ पे सिर्फ जो होगा, आप जब तक ग्रास रूट लेवल पर जाकर नहीं सर्च करोगे, हम लोग होता है ना कि जब तक आप लोग कोई प्रॉब्लम आ गए कोई गांव की पंचायत में, तो आप लोग जब तक सब बातें नहीं जाकर सबसे बात करोगे ग्रास रूट, तब तक बातें आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है, तो आपको ग्रास रूट लेवल पे आपको जाना चाहिए ना, डिसीजन मेकिंग शुड कम फ्रॉम पुअर सेक्शन, यहाँ पे एक बात नहीं कि पुअर सेक्शन से आओगे तभी बात सही है, ए न्यू सेट ऑफ डिसीजन मेकर शुड रिप्लेस एक्सिस्टिंग, ये भी बात अनइथिकल है,
यहाँ पे जो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे जो ऑप्शन है ओनली वन फॉलो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज एक्स हैज रिजेक्टेड फर्स्ट लॉट ऑफ वैल्यू सप्लाइड बाय कंपनी ए एंड हैज कैंसिल इट्स एंटायर ह्यूज ऑर्डरिंग कोडिंग यूज फॉर इन वेरी क्वालिटी मटेरियल पुअर क्राफ्ट्समैनशिप कोर्स ऑफ एक्शन द कंपनी ए नीड्स टू इन्वेस्टिगेट फंक्शनिंग ऑफ इट्स पर्पस परचेज प्रोड्यूसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कंपनी ए शुड इंस्पेक्ट ऑल द वेब्स रिजेक्टेड बाय कंपनी एक्स द कंपनी ए शुड इन्फॉर्म कंपनी एक्स दैट स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड नेगोशिएबल रीनेगोशिएट शेड्यूल ऑफ सप्लाई। अब गाइज मुझे इसमें बताना कि जो कंपनी एक्स है ना वो रिजेक्ट कर दिया काफी सारे माल को कंपनी ए ने भेजा था क्योंकि उसमें बहुत सारा क्वालिटी मटेरियल से इश्यूज आ गया। द कंपनी ए नीड्स इन्वेस्टिगेट फंक्शनिंग यहाँ पे या गाइस ये बात सही है कि आपको यहाँ पे कंपनी को ए जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए परचेज को प्रोटेक्शन प्रोडक्शन को कंट्रोल डिपार्टमेंट को, ये बात सही है। कंपनी ए शुड इंस्पेक्ट ऑल द वैल्व्स, मतलब वैल्व्स मतलब क्या होता है चेक करना, ठीक है जो भी डैमेज है सर, ठीक है रिजेक्टेड बाई कंपनी जो भी कंपनी एक्स ने रिजेक्ट किया है। आप देखो कंपनी ए जो है शुड इन्फॉर्म कंपनी एक्स जो है ठीक है कि डैट स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट है कि मतलब जितने भी है वो सब इम्प्रूवमेंट के लिए डाल दिए गए हैं, आप रीनेगोशिएट कर लीजिए स्केड्यूल। अब देखो गाइस कंपनी एक्स जो है वो अगर बोले मतलब कंपनी ए जो एक्स को बोलेगा ये चीज फिर से आप रीनेगोशिएट कर ले तो ये बात सही है क्या? क्या कंपनी ए जो है वो दूसरे कंपनी से नहीं खरीद सकता उनको तुरंत चाहिए तो वो कंपनी एक्स के लिए थोड़ी रुका रहेगा, कोई बड़ी कंपनी है या छोटी भी है तो एक बार उससे गलत उसका इंप्रेशन गलत पड़ गया वहां पे अब रीनेगोशिएट करने में बहुत उसको प्रॉब्लम हो। ऐसा है थोड़ी है कि आपको कंपनी एक्स खरीद ही लेगा उससे माल, तो ये हम लोग नहीं बता सकते, तो ये बातें गलत होगी। ओनली ऑप्शन वन एंड टू हो जाए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल एम हैज डिसाइडेड टू गिव फ्री ब्रेकफास्ट फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर टू द ऑल द स्टूडेंट्स इन इट्स प्राइमरी सेक्शन थ्रू इट्स कैंटीन इवन दो दिस इज वेल नॉट, मतलब कम स्कूल जो है मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट है स्कूल का डिसाइड किया है कि ब्रेकफास्ट देना फ्री में नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से प्राइमरी स्टूडेंट सबको, ठीक है इन इट्स कैंटीन। कोर्स ऑफ एक्शन जो है इसका द स्कूल विल नॉट हैव एडमिट एनी पुअर स्टूडेंट्स हु विल सीक एडमिशन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। दूसरा है द कैंटीन फैसिलिटी यूटेंसिल हैव टू चेक एंड न्यू परचेज टू बी मेड टू इक्विपमेंट प्रॉपर्टी फंड्स विल हैव टू रेज टू सपोर्ट द स्कीम फॉर इयर्स टू कम। देखो गाइस यहाँ पे क्या हो सकता है ना, द स्कूल्स विल हैव टू एडमिट पुअर स्टूडेंट हु विल सीक। अब गाइस मुझे बताओ नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से आप स्कूल और खोले हो तो आप फ्री ब्रेकफास्ट दे रहे हो मतलब मील दे रहे हो क्योंकि आप सबको यहाँ पे पूरे स्टूडेंट सबको आप एडमिशन दे दोगे, ऐसा थोड़ी है, ये तो अनएथिकल है। जो उसके लायक हो उसी को एडमिशन दोगे तो ये तो अनएथिकल है। दूसरा देखो कि यार डिसाइड चेक न्यूज पर्सेस, ये बात सही है यार रेज करोगे स्कीम को मतलब ठीक है रेज कर सपोर्ट द स्कीम आप इसको करो, ये कर सकते हो फंड ये सबका, ठीक है ओनली टू और थ्री हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। The day time temperature in the summer have been 4 degree, 4 to 5 degrees Celsius above the normal temperature across the country. All the district headquarters should be alerted to send prompt report. ठीक है, like due to the heat wave notification, the government machinery should be put on the high alert and provide with necessary equipment to provide any towards incident. The government should make necessary arrangement to provide drinking water in all the affected area. Yeah, ये बातें सही है, drinking water का देना चाहिए, ये पढ़ते ही समझ में आ गया। The government machinery should be put on high alert, providing the machinery equipment to prevent any ये भी होनी चाहिए कि कुछ भी घटती है यहाँ पे तो इक्विपमेंट होनी चाहिए, उतनी व्यवस्था होनी चाहिए सरकार के पास। ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शुड बी अलर्टेड प्रॉम्प्ट अपॉन ड्यूरिंग डेथ। देखो यहाँ पे डेथ आ गई, डेथ से कोई बात हुई है यहाँ पे, डेथ थोड़ी कोई मर थोड़ी रहा है यहाँ पे आदमी, कोई बताया तो नहीं गया कि यहाँ पे डेथ हो रही है कि डेथ से इतने आदमी मरे, तो ये बातें यहाँ पे स्टेटमेंट भी नहीं है तो हम लोग कैसे यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। ओनली ऑप्शन क्या हो जाएगा टू और थ्री यहाँ पे फॉलो कर, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पे। स्टेटमेंट आर्गुमेंट क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी रहेगी, आर्गुमेंट मतलब कि जैसे कि यहाँ पे पहला बंदा है दूसरा बंदा है और यहाँ पे तीसरा बंदा है, अब तीनों ने स्टेटमेंट पे बात रखी क्या ये स्टेटमेंट सही है, वो बोला यार इसमें नहीं कुछ अलग है ये बात ही कुछ अलग है, अब तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट को ये प्रूफ कर रहा है कि इसका बात सही है तो उसका बात को उसको एक्सेप्ट किया जाएगा बाकी दो को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर बाकी बहस वहस चल रही है तो किसका बहस सही होता है ना, न्यूज में देखते हो ना बहुत सारी बातें चलती है, कोई स्टेटमेंट आया नरेंद्र मोदी जी ने कोई स्टेटमेंट दिया
अब बहुत सारे लीडर्स ने, बहुत सारे अपोजिशन पार्टी ने वहां पे अब आर्गुमेंट करना चालू हुआ, किसका आर्गुमेंट उसको अच्छा लग रहा है उसी का बात एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसका नहीं अच्छा लग रहा है उसको क्या किया जाएगा, उसके बात को खारिज किया जाएगा, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर सेड दैट सेड द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ओपन द एंटायर एरिया फ्रॉम सियाचिन बेस्ड कैंप टू किशोर पोस्ट फॉर टूरिज्म पर्पस। डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि डिसाइड किया है कि इंटायर एरिया जो है सियाचिन बेस का टू कंज्यूम पोस्ट टूरिज्म पर्पस के लिए ओपन कर देना चाहिए। द स्टेप विल बी बूस्ट टूरिज्म लद्दाख, गिव पीपल ए विंडोज टू अप्रिशिएट द टफ वर्क डन बाय आर्मी जवान्स एंड इंजीनियर्स, एक्सट्रीम वेदर एंड इनहॉस्पिटेबल टेरेंस एंड द डिसीजन इज टू बी वेलकम्ड। दूसरा, द सियाचिन ग्लेशियर द हाइट ऑफ 20,000 फीट इन द काराकोरम रेंज इज नोन एज द हाईएस्ट मटेरियलाइज जोन इन द वर्ल्ड, वेयर द सोल्जर हैव टू बैटल फॉर ब्रिटेन एंड हाई विंड्स। देखो गाइस, यहाँ पे बोला गया है कि ना डिफेंस मिनिस्टर की सियाचिन बेस को ओपन कर दो टूरिज्म के लिए, पहला जो स्टेटमेंट है वो बोला या इससे बूस्ट हो गया टूरिज्म और उससे आर्मी जवान भी अप्रिशिएट होंगे, ताकि जो काम करते थे वो एक्सट्रीम वेदर में टेरेंस सेशन में, ठीक है, तो उनके लिए अच्छा होगा। ये बात सही बोला है, उसको एक तरह से सपोर्ट कर रहा है इसको, ठीक है, ये आर्गुमेंट सपोर्ट कर रहा है, मतलब आगे बढ़ेगा। अब सियाचिन ग्लेशियर हाइट ये सब के बारे में बताया गया, इज नोन एज द हाइएस्ट मैन। यहाँ पे गाइस क्या मुझे इस आर्गुमेंट कोई लेना देना यहाँ पे लग रहा है, ये जो बातें बोली है, मुझे यहाँ पे हाइट वाइट नहीं जानना है, ग्लेशियर का हाइट कितना था, ये बात है बैटल हुआ था हाई विंड ये सब ये मुझे नहीं बोला गया, मुझे सिर्फ इसको सपोर्ट जो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है वो बताना है। तो आर्गुमेंट वन ही फॉलो कर रहा है, इससे मुझे क्या देना कि 20,000 हाइट है, ये सबसे मुझे क्या देना देना, ठीक है, तो ऑप्शन वन हो जाएगा यहाँ पे क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइड टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश मीडियम इन प्लेस ऑफ तेलुगु मीडियम फॉर क्लास 1 to 6 इन गवर्नमेंट स्कूल्स फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, इज इज गुड डिसीजन। अब देखते हैं आर्गुमेंट जो है, यस इंग्लिश मीडियम एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इज अ ड्रीम फॉर ए लार्ज, ठीक है, ड्रीम फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पेरेंट ऑफ बैकवर्ड। या ये बात सही है कि गाइस बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं उनका ड्रीम होता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ठीक है, ये बात सही है। नो इफ दे इंट्रोड्यूस नेक्स्ट एकेडमिक द स्टूडेंट विल हैव टू इनकन्वीनियंस द क्वालिटी ऑफ आवर टीचर्स एज दे नॉट प्रोफिशिएंट इन द इंग्लिश। अब देखो गाइस ये भी बात सही है कि सपोज करो तेलुगु में जो टीचर्स पढ़ाते थे, अब उनको सीधे डायरेक्टली मैं बोल दूं जाके मैं कि आप नहीं आप ऐसे इंग्लिश आप बोलो, अब जिनको तेलुगु आती है तो वो कैसे अब इंग्लिश बोल सकते हैं, उनको इनकन्वीनियंस हो जाएगा, तो ये भी बात सही है। नो देयर इज देयर आर मेनी आईएएस एंड ऑफिसर्स आर हु वंस स्टडी इन द। अब देखो मुझे गाइस 1 to 6 की बात हो रही है, आईएएस ऑफिसर मुझे क्या करना है कि वो बने हिंदी मदर लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे ये बात मुझे नहीं जाननी है कि आईएएस मदर लैंग्वेज में पढ़े हो या फिर इंग्लिश में पढ़े हो, मुझे यहाँ पे 1 to 6 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बीच में जाके बोल दू नहीं आईएएस आप आईएएस और आईपीएस यहाँ पे बने हैं, तो मैंने बोला था क्या कि मैंने सिर्फ 1 और 6 से क्लास के बारे में बात हो रही है, आईएएस ऑफिसर किससे बने नहीं बने मुझे नहीं जानना है, मुझे सिर्फ 1 से लेकर क्लास 6 के बारे में ही जानना है। यस इंग्लिश हैव बीन प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव, यस ये भी बात सही है, इंटरव्यूज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है प्रॉब्लम, तो 1, 2 और 4 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, 3 इसको वीक बना रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट है शुड ऑल द ड्रग्स पेशेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग वेस्टर्न कंट्रीज बी द फर्स्ट ट्राइड आउट ऑन सैंपल बेसिस बिफोर गिविंग लाइसेंस फॉर द जनरल पब्लिक इन इंडिया। यस मेनी सच ड्रग्स रिक्वायर डिफरेंट डोज एंड ड्यूरेशन फॉर इंडियन पॉपुलेशन एंड सही है, जैसे COVID-19 में वैक्सीन आया था तो सबसे पहले टेस्ट किया गया, डोजेस ये सब दिया गया, तभी तो हम लोग सबको प्रोवाइड करते हैं, पहले कुछ आदमी पे टेस्ट करते हैं ड्यूरेशन क्या है तब जाकर हम लोग वो बाजार में उतारते हैं, बात सही है। नो दिस इज नॉट अ फीजिबल एंड हेंस कैन नॉट इम्प्लीमेंट, ये बात सीधा गलत है गाइस, ये तो देखते ही समझ में आ गया, ओनली ऑप्शन वन यहाँ पे क्लियर है। चौथा देखो, शुड देयर बी रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम सिंगल चाइल्ड फैमिली, नो दिस इज नॉट एडवाइजेबल, शुड बी ऑफर टू ओनली डिजर्वेबल कैंडिडेट विदाउट एनी रिजर्वेशन फॉर एनी पर्टिकुलर ईयर, दिस शुड बी रिप्लेस रिड्यूस द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया। गाइस मुझे बता दो क्या एक गवर्नमेंट जॉब क्या ग्रोइंग पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकता है, मान लो 100% का ये पॉपुलेशन है उसमें से कि गवर्नमेंट जॉब के 2 या 3% यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो क्या ऐसे 2 और 3% क्या इस बाकी सपोर्ट कर पाएंगे, ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, 1% भी हो सकता है, तो मैं इसको क्या इसको यहाँ पे रिड्यूस कर दूंगा तो क्या मेरा ये पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगा, इंकरेज होगा अडॉप्ट चाइल्ड हो तो इंक्रीज थोड़ी हो जाएगा,
1% 100 में से कर लोगे तो क्या क्या इंक्रीज है यहाँ पे कर लोगे आप, ये बात गलत है। पहला जो है नो दिस इज नॉट एडवर्टाइजर, द जॉब शुड बी ऑफर्ड टू द ओनली डिजर्विंग कैंडिडेट। यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं बोला गया कि एज विदाउट एनी रिजर्वेशन, यहाँ पे कुछ ऐसा बात नहीं है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, नीदर वन एंड टू यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा माइंड सोचो आप क्या यहाँ पे हो सकता है, तो ठीक है प्रैक्टिकली आगे बढ़ते हैं। शुड देयर बी कम्प्लीट बैन ऑन इंडियन प्रोफेशनल सीकिंग जॉब एल्सवेयर आफ्टर गेटिंग देयर एजुकेशन इन इंडिया। यस दिस इज द ओनली वे टू सस्टेन प्रीवेंट रेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट इंडिया। नो द इंडियन सेटल एब्रॉड सेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नो द प्रैक्टिकल नॉलेज गेन्ड बाई इंडियन बाई वर्किंग इन अदर कंट्रीज विल हेल्प इंडिया टू डेवलप इट्स इकोनॉमी। अब एक बार क्या बताना है, इसकी कंप्लीट बैन कर देना चाहिए इंडियन प्रोफेशनल को, मतलब जॉब करें मतलब आफ्टर गेटिंग एजुकेशन इंडिया, बाहर जाकर जो फॉरन में जॉब करते हैं। अब गाइज मुझे बताना है कि दिस इज द ओनली वे टू सस्टेन प्रेजेंट रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये अनथिकल लगाइए। क्या आप उससे आप सस्टेनेबल प्रेजेंट रेट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा इंडिया का, बातें नहीं ना सही। नो इंडियन गवर्नमेंट सेटल ने ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्या फॉरेन एक्सचेंज के लिए आप सरकार ऐसा थोड़ी डिसीजन ले लेगी कि सेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंसीडर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी एथिकल अनएथिकल है सर। नो द प्रैक्टिकल नॉलेज गेन्ड बाय इंडियन बाय वर्किंग अदर कंट्री टू हेल्प, बात सीधा गलत है गाइस, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, नॉन ऑफ स्ट्रॉन्ग वो ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। शुड वर्किंग एम्प्लॉयज बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया, कि मतलब जो बोल रहा है वर्कर एम्प्लॉयज को है टू अलाउड करना चाहिए पार्टिसिपेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा इस वो देखते हैं, ठीक है। कि गाइस यहाँ पे देखो जैसे कि यस इट इज अ प्रेजेंट मैनेजमेंट थ्योरी, नो मेनी वर्क आर इलिटरेट सो देयर कंट्रीब्यूशन विल नॉट बी एनी वैल्यू, या बात सही है गाइस। मेनी जो वर्कर्स होते हैं ना जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं गाइस, ये बातें सही है जो वर्कर्स होते हैं, देखते हैं आ गया समझ में। यस एम्प्लॉयज वांट कंपनी जनरली हैव देयर हायर प्रोडक्टिविटी, इसमें क्या होगा, या ये बात भी सही है कि गाइज एम्प्लॉय जो ओन करते हैं वो हायर प्रोडक्टिविटी के काम आता है, ठीक है। नो एम्प्लॉयज इन ओनरशिप ड्राइव सब सैलरी एंड वेजेस, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बात बोला है कि जो एम्प्लॉयज यूनियन जो होते हैं ओनरशिप ड्राइव सब सैलरी एंड वेजेस, वो ज्यादा सैलरी और वेजेस देते हैं, ये बात अनएथिकल है गाइज। और यस इट प्रेजेंट मैनेजमेंट थ्योरी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है गाइज, यहाँ पे कुछ दिया गया है मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में, तो ये भी हम लोग बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ओनली टू और थ्री जो होगा वो राइट होगा गाइज, ठीक है। आर्गुमेंट में तो आपको सिर्फ एक एथिकल चीजें बतानी है, जो एथिकल चीज है यहाँ पे, ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट जो है शुड स्कूल्स इन इंडिया हैव ओनली बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बताना मुझे। यस इट विल क्रिएट यूनिफॉर्मिटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन। नो इट इज रिड्यूस चांसेस ऑफ इधर क्वालिटी एजुकेशन और एंड मे अफेक्ट लिटरेसी रेट, क्या मैं इससे बता सकता हूँ स्टेटमेंट सही है क्या। इट विल क्रिएट यूनिफॉर्मिटी एंड इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नहीं बता सकते हैं गाइस कि आप एक ही बोर्ड कर दोगे तो इससे आपका यूनिफॉर्मिलिटी और इक्वालिटी बढ़ जाएगा, नहीं हो सकता कि हर एक स्टेटमेंट का एजुकेशन बोर्ड होता है, अगर आप एक जैसा कर दोगे तो बात कैसे समझाएंगे, कोई तेलुगु है तो वो भोजपुरी तो छोटी समझ जाएगा, वो टफ हो जाएगा उसके लिए, और यूनिफॉर्मिलिटी नहीं हो पाएगा, इक्वालिटी नहीं हो पाएगी, हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये बातें नहीं होगा। नो इट विल रिड्यूस चांसेस ऑफ इधर एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन, या बात से ये भी बात हम लोग नहीं बता सकते कि रिड्यूस हो गया लिटरेसी रेट इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे जो दोनों आर्गुमेंट है वो नहीं हो पाएगा इस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुड वुमेन बी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फील्ड, मतलब वुमेन को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए हर एक फील्ड में। यस दे आर इक्वली कैपेबल, नो दे शुड नो दे हैव टू शोल्डर हाउस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस दे शुड ऑल्सो गो टू द आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस, ओनली जो वन और थ्री ये राइट होगा, यहाँ पे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात अनएथिकल है गाइस, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ठीक है किसी के बारे में कि उनके लिए सिर्फ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता है। यहाँ पे क्या बोला, शुड गवर्नमेंट स्टैब्लिश हायर लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक IITs बी प्राइवेटाइज, यस प्राइवेटाइजेशन विल मेक फाइनेंशियली हेल्दी कॉम्पिटेटिव एंड क्वालिटी क्वालिटी कॉन्शियस, यस प्राइवेटाइजेशन इज द की ऑफ न्यू एरा,
कैन यू सर्वाइव विदाउट इट, नो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन विल फॉल। अब देखो गाइस ये बात सही है कि जब कोई चीज प्राइवेट हो जाती है, रेगुलर प्राइवेट होगी तो काफी सारे यहाँ पे बदलाव देखने को मिलने। कॉलेजेस में अगर प्राइवेट होगी, गवर्नमेंट कॉलेज में देखते हो ना कि जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पैसा थोड़ा कम खर्च होता है, बट प्राइवेट कॉलेज में अच्छा अच्छा पैसा लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे फंड ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे फंड ज्यादा आ रहे हैं, तो ये बात सही है कि यस प्राइवेटेशन विल इंस्टीट्यूट हेल्दी बनाते हैं, कॉम्पिटेटिव क्वालिटी देते हैं यहाँ पे, ये बात सही है गाइस। और मुझे जो दूसरा ऑप्शन है, यस प्राइवेटेशन द की ऑफ न्यू एरा, ये गाइस मैं बता नहीं सकता कि की ऑफ न्यू एरा है प्राइवेट है, ये मैं नहीं बता सकता यहाँ पे आप लोग यहाँ, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं है बताया गया कि प्राइवेटेशन ही एक न्यू एरा है, बट फर्स्ट जो है वो हो सकता है। नो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ दिस स्टेट विल फॉल, और मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ कि जो स्टैंडर्ड है वो इस फॉल हो जाएगा, ये भी बात एथिकल नहीं है, बात यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया, तो मैं जो वन ऑप्शन जो मुझे लगा वो सही है, तो ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, शुड पब्लिक हॉलीडे बी डिक्लेयर ऑन डिमाइस ऑफ इम्पोर्टेंट नेशनल लीडर्स। पहला जो है, नो सच अनस्केड्यूल्ड हॉलीडेज हैम्पर नेशनल प्रोग्रेस, यस पीपल वुड लाइक टू पे देयर होमेज टू द डिपार्टमेंट सोन। पहला जो है, नो सच अनस्केड्यूल्ड हॉलीडे हैम्पर नेशनल प्रोग्रेस, ये बात सही है गाइस। अनस्केड्यूल्ड हॉलीडेज दोगे तो उससे आपका नेशनल प्रोग्रेस भी हो सकता है हैम्पर, बात सही है। यस पीपल वुड लाइक टू पे देयर होमेज टू डिपार्टमेंट सोन। अब ऐसा थोड़ी कोई नेसेसरी तो बात यहाँ नहीं बोली है कि आपको एकदम देना ही है। यस पीपल टू वुड लाइक टू पे होमेज टू डिपार्टमेंट, यस यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई नेसेसरी होना चाहिए कि हॉलीडे पे आप टेंशन करो, ठीक है, उनके आत्माओं को मतलब एक लाइक यहाँ पे देना चाहिए कि उन्हें कुछ एकदम नेसेसरी है कि आप छुट्टी के दिन में ही मतलब यहाँ पे उनको छुट्टी दे दो, फिर घर पे जाकर वो लोग ये सब करेंगे, ठीक है, ये बात नहीं क्या आप कहेंगे। ऑप्शन वन जो होगा वो चल राइट होगा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब देखो गाइस हम लोग यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट करने वाले हैं। कॉज एंड इफेक्ट बहुत ही इजी है। सपोज करो यहाँ पे कुछ घटना हुआ, आज ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इसका इफेक्ट आया उसमें 20 लोग मर गए, तो ये कॉज हो गया ट्रेन का घटना, और जो ये 20 लोग मर गए वो इसका इफेक्ट हो गया। तो सपोज करो जो घटना होता है उसका जो इफेक्ट होता है उसका क्या क्या हुए चीज है, तो वही कॉजल इफेक्ट होता है। अब जो क्वेश्चन है आते हैं एग्जाम में, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मेनली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो वो देखो आज कॉज एंड इफेक्ट में पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। प्राइमरी एजुकेशन इज टिपिकली द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन कमिंग आफ्टर प्री स्कूल एंड बिफोर सेकेंडरी स्कूल। दूसरा स्टेटमेंट, इन द पास्ट द जनरल पब्लिक डिड नॉट हैव एक्सेस टू द ऑल दीज इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन टेक्स इन द प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल और फर्स्ट एंड मिडिल स्कूल डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज। देखो गाइस मैं सिंपल इसको हिंदी मतलब बता दूं, यहाँ बोला जा रहा है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है प्राइमरी स्कूल्स का अवेलेबल कर देना चाहिए जनरल पब्लिक में। अब देखो गाँव सब में क्या होता है ना, मेनली जो छोटे छोटे ऊंचे सब गाँव जो होते हैं वहां पता नहीं रहता है कि अपने बच्चे को किस क्लास में मैं भेजूं, उनको पता ही नहीं रहता है क्या ये प्राइमरी स्कूल क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, कॉलेज क्या होता है, वो किसी भी क्लास में वो लोग अपने बच्चे को जाकर बैठा देते हैं क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है कि मेरे बच्चे को किस क्लास में भेजना चाहिए, कौन सा। आजकल तो किंडर गार्डन हो गया, प्ले स्कूल हो गया, बट गांव में इतना नहीं पता है किसी को, अभी भी नहीं पता है कि क्या किंडर गार्डन होता है क्या प्ले स्कूल होता है, वो किसी भी जाए क्लास में सिर्फ एडमिशन करा देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या सोचिए कि मुझे डिसाइड करना है कि अभी प्राइमरी एजुकेशन को वो जो एडवर्टाइजमेंट करे, अभी भी जाते हो देखते हो ना बड़े बड़े होर्डिंग में यहाँ पे लिखा रहता है इधर से ग्रो किड्स प्राइमरीज, मतलब यहाँ पे आपको बच्चों की यहाँ पे 1 to 5 है, नर्सरी टू KG क्लास चलती है, 1 to आपको प्राइमरी है, 5 फिर 6 to आपको 10 सेकेंडरी, तो ऐसे से लिखा रहता है। तो पहले के जमाने में पास्ट में ये सब चीज नहीं हुआ करता था, इनके पास इन्फॉर्मेशन, तभी तो गवर्नमेंट डिसाइड की है। तो ये मेरा कॉज है और ये मेरा इफेक्ट है, तो कॉज ये आया ये पास्ट में, फिर इफेक्ट ये आया कि गवर्नमेंट डिसाइड किया, बहुत ही ईजी है गाइस, ठीक है। तो मेरा जो बी ऑप्शन होगा स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड ए इज द इफेक्ट, स्टेटमेंट 1 क्लियर है गाइस। आगे बढ़ते हैं, द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल हैव बीन इंक्रीज्ड कंसिडरेबली ड्यूरिंग द समर एट द रिटेल प्राइस टू, प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड शार्पली ड्यूरिंग द पीरियड। स्टेटमेंट 2, देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेंपरेचर ड्यूरिंग दिस समर नियर बाय देयर बाय डैमेजिंग क्रॉप्स ग्रेटली। अब देखो गाइस स्टेटमेंट 1 जो है, प्राइसेस जो है इंक्रीज हो गया, किससे इंक्रीज, देयर टेंपरेचर से साफ पता चल रहा है गाइस, जो मेरा कॉज है ये है और इफेक्ट ये है, टेम्परेचर बढ़ा
उसे प्राइस पर गर्मी ज्यादा पड़ रही है ना, सूख जाता है सब्जी, सब जा मतलब सब्जी सब क्या होती है, सड़ जाती है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती है। ठीक है, ऑप्शन टू इज द कॉज, सिस्टम टू इज द कॉज, ऑप्शन वन इज द इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अमॉन्ग द मिडिल क्लास हो जाए कंसिडरिंग गोइंग अप सिंस पार्ट ऑफ द फ्यूअर इंडियन गवर्नमेंट इज ऑब्जर्विंग रिमार्केबल ग्रोथ। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है मिडिल क्लास की। ठीक है, मतलब इंडियन इकोनॉमी जो रिमार्केबल ग्रोथ पे बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ वन जो होगा वो क्या होगा, वो कॉज होगा। ठीक है, ये कॉज हुआ और ये इसका इफेक्ट हुआ कि इंडियन इकोनॉमी बढ़ रहा है, उसे ऑब्जर्व कर रहा है उसे रिमार्केबल ग्रोथ। ठीक है, इजी था ए ऑप्शन। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज इशू एड स्टेटमेंट मेंशनिंग डेफिशिएंट रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द गवर्नमेंट हैज लोअर्ड द रिवाइज एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्लियर एस्टिमेट्स। अब देखो, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि हैज इश्यूड स्टेटमेंट ऑफ मॉनिटरिंग डेफिशिएंट रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे अलग बात हो रही है, यहाँ पे अलग बात हो रही है मॉनसून के बारे में या जीडीपी के बारे में, तो ये कुछ इंडिपेंडेंट कॉलेज का यहाँ पे अलग अलग बातें हो रही है। इंडिपेंडेंट यहाँ पे इफेक्ट हुई है कि ये मेंशन किया, कुछ हुआ होगा तो वो जांचा परखा होगा, और यहाँ भी कुछ जांचा परखा, कुछ हुआ होगा कॉज फॉर इफेक्ट आया, तो दोनों इफेक्ट है गाइस ये। ठीक है, क्योंकि इसके बाद चीज के बारे में बताया गया है, कुछ जांच रहा होगा तो उससे कुछ इफेक्ट आया होगा, तो ये इंडिपेंडेंट यहाँ पे, इंडिपेंडेंट यहाँ पे सॉरी इफेक्ट है कोई इंडिपेंडेंट कॉजेस का। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, कोई इफेक्ट है यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट कॉजेस का। आगे बढ़ते हैं, द स्टाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक दे वेयर ऑब्जर्विंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। द स्टाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी वेंट ऑन ए स्ट्राइक एंटीसिपेटिंग ए थ्रेट टू देयर जॉब। अब गाइस, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे आप पढ़ के क्या बता सकते हो कि ये जो है कोई इंडिपेंडेंट कॉलेज का यहाँ बात हो रही है, कोई इसी सब इफेक्ट ही है ना गाइस, की कॉज थोड़ी हो सकता है, जो प्रोटेस्ट करने गए हैं ये सब। ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक किए हैं, कुछ हुआ होगा तभी तो स्ट्राइक किए, तो ये भी इफेक्ट हो गया एक तरह से। यहाँ पे उधर तो यहाँ पे स्ट्राइक करने गए, यहाँ पे कुछ इफेक्ट हो रहा है, तो कोई इंडिपेंडेंट कॉजेस का यहाँ बात हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्विंग क्या है जरा प्रोटेस्टिंग एंड प्राइवेटाइजेशन पे, और यहाँ पे जॉब से बात हो रही है, तो कुछ सबका अलग अलग है। यहाँ पे जॉब, यहाँ भी जॉब लिखा रहता तो आपको कॉमन कॉज हो जाता, बट ये दोनों अलग अलग बात है। दिस इज वाई दिस इंडिपेंडेंट कॉजेस की यहाँ पे बात हो रही है, कॉमन कॉज की बात नहीं हो रही है, तो दिस आर वन टू इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर कमोडिटीज इन ओपन मार्केट हैव राइजन शार्पली ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ। द पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन हैड अ कॉल फॉर जनरल स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इसमें क्या हो जाएगा इस मुझे बताना, इसमें जो हो जाएगा मुझे तो साफ इसको देख के लग रहा है कि जो स्टेटमेंट वन है वो कॉज है और जो टू स्टेटमेंट वो इफेक्ट है, कि प्राइस बढ़ रहा है मार्केट में उससे क्या हो रहा है, अपोजिशन पार्टी वो स्ट्राइक में चले गए धरना पे ताकि जो प्राइस है वो सब कम हो सके, होता है ना अपोजिशन पार्टी के समय होता है। ठीक है, स्टेटमेंट वन हो गया कॉज और दिस इज द इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 7 का, द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू होल्ड अ सिंगल एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू ऑल द मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। द गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट डिवाइडेड स्टूडेंट्स फ्रॉम द अदर स्टेट टू अप्लाई फॉर द सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट। अब देखो यहाँ पे ना मेनली एंट्रेंस स्टेज की बात हो रही है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि डिवाइडेड स्टूडेंट अदर स्टेट्स को वो दे सीट यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में इन द स्टेट। अब यहाँ पे कुछ ना गाइज, ये दोनों कॉमन कॉज मुझे लग रहा है कि दोनों मेडिकल कॉलेज से बातें हो रही है, एक सीट्स की बात हो रही है यहाँ पे सिंगल एंट्रेंस एग्जाम में, सीट का मेनली बात हो रही है यहाँ पे, आपको सीट्स की बात हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों कॉमन कॉज है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉज नहीं, एक चीज कॉमन है यहाँ पे, दोनों मेडिकल कॉलेज के बारे में बात हो रही है, सीट्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, इफेक्ट है बट दोनों दोनों बट कॉमन कॉज का। ठीक है, कुछ हुआ होगा तभी तो ये हुआ होगा, तभी तो गवर्नमेंट डिसाइड किया, कुछ हुआ होगा उससे पहले बहुत सारे एग्जाम होते थे बट उससे कुछ धरना वरना हुआ होगा, प्रोटेस्ट है सब, तो क्या, तो फिर गवर्नमेंट डिसाइड किया होगा, उसी तरह ये भी है, छुआ होगा तभी कुछ इफेक्ट आया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, द फार्मर्स हैव डिसाइडेड अगेंस्ट सेलिंग देयर खड़ी क्रॉप टू द गवर्नमेंट एजेंसी। द गवर्नमेंट हैड रिड्यूस्ड द प्रोक्योरमेंट प्राइस टू ऑफ खड़ी क्रॉप स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट मंथ टू द नेक्स्ट 6 मंथ्स। फार्मर्स जो है डिसाइड किया है अगेंस्ट सेलिंग द खड़ी क्रॉप टू द गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट हैड रिड्यूस्ड प्रोक्योरमेंट
करीब स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट मंथ टू द नेक्स्ट 6 मंथ। अब देखो गवर्नमेंट जो है रिड्यूस कर दिया प्राइस को खरीफ क्रॉप का। अब जो फार्मर्स हैव डिसाइडेड टू सेलिंग द खरीफ क्रॉप टू द गवर्नमेंट एजेंसी। अब जो यहाँ पे रिड्यूस किया प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ खरीफ क्रॉप लास्ट 6 मंथ, तो दिस इज द कॉज आ गया, और ये इससे क्या हो गया, इफेक्ट आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट टू जो मेरा कॉज आ गया उससे क्या हुआ, फार्मर डिसाइड किया आफ्टर सेलिंग क्रॉप टू गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, सब सस्ता हुआ और खरीदने लगा वो सब, फिर बेचा फिर उसको। क्लियर है? टू द कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑन द फीस स्ट्रक्चर बाय प्रोफेशनल कोर्सेज ड्रास्टिकली रिड्यूस द फीस ऑफ वेरियस कोर्सेज इन द कंपैरिजन टू दोस चार्ज इन द लास्ट ईयर। द पेरेंट्स ऑफ एस्पायरिंग स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्स हैव लॉन्ग सर्विस एजुकेशन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई फीस चार्ज बाय द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड द एडमिशन प्रोसेस वाज डिलेड कंसिडरेबली। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कमेटी जो है अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ द फीस ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया फीस को। ठीक है, ड्रास्टिकली यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया फीस को। अब उससे क्या हुआ ना, जो यहाँ पे जो पेरेंट्स ऑफ एस्पायरिंग जो यहाँ पे थे वो क्या किए, यहाँ पे देखा मैंने यहाँ पढ़ा है कि प्रोटेस्टिंग यहाँ पे किए और उससे क्या हुआ, फीस घटा, यहाँ पे फीस घटा, तो ये कॉज हो गया और ये इफेक्ट हो गया। धरना वरना की है, प्रोटेस्ट वेस्ट की है, तब जाकर उनका फीस घट गया, साफ ही पढ़ के लग रहा है। स्टेटमेंट टू इज द कॉज एंड वन इज द इफेक्ट। आगे बढ़ता है, मेजोरिटी ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द लोकेलिटी ऑफ न्यू हैविंग डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द म्युनिसिपल अथॉरिटी डिसीजन टू अलाउ कंस्ट्रक्शन द शॉपिंग मॉल इन द लोकेलिटी। मेनी शॉपिंग मॉल्स हैव बीन ओपन ऑल ओवर द सिटी इन द रिसेंट टाइम। अब देखो सबसे पहले ना रिसेंट टाइम बहुत सारे शॉपिंग मॉल बन चुके हैं। ठीक है, उसी पे वो लोग प्रोटेस्ट करें कि अब नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऑलरेडी हम लोग के पास बहुत सारे सिटी के मॉल है, तो आप क्यों बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो यहाँ पे, दिस इज कॉज हो गया, इफेक्ट हो गया, इस पढ़ के ही आ रहा है। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी बना हुआ है तो क्यों बनाएंगे फिर मॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। चलो अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कंक्लूजन एक तरह से बोल सकते हो, क्या इसमें से निष्कर्ष आ सकते हैं, तो उसी में बहुत सारे इन्फ्रेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इस पर। स्टेटमेंट दी रहेगी और यहाँ पे इन्फ्रेंसेस या फिर कंक्लूजन करके दी रहेगी, उसमें से आपको निष्कर्ष निकालने। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस। द कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग इज व्हाट आई लाइक द बेस्ट अबाउट इट। वेयर एल्स कैन यू शो इवन एट मिड नाइट, यू कैन डू नॉट हैव टू वेट इन लाइन एंड द असिस्टेंट इज रेडी टू हेल्प यू परचेज। इट इज बेटर मॉक्स एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू द गोइंग टू रिटेल स्टोर्स। कंज्यूमर स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अच्छा है कि आप मिड नाइट में शॉपिंग कर सकते हो, आपको नहीं लाइन में नहीं लगना पड़ेगा यहाँ पे परचेज करने के लिए किसी के लिए। मच बेटर एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू द रिटेलर्स, मतलब ऑफलाइन स्टोर। एक कंज्यूमर का स्टेटमेंट आया है, तो कौन सा यहाँ पे सही होगा वो बताना है। वन कैन शॉप ऑनलाइन ओनली एट नाइट, क्या हो सकता है यहाँ पे, वन कैन शॉप ओनली एट नाइट होगा, या फिर दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग कंप्यूटर कैन नेवर एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ऑल रिटेल स्टोर प्रोवाइडिंग शॉपिंग असिस्टेंट टू ईच एंड एवरी कस्टमर। द कंज्यूमर हुज व्यूज इज प्रेजेंटेड एज शॉप एट रिटेल स्टोर एज वेल एज ऑनलाइन स्टोर। द कंज्यूमर हुज व्यूज इज प्रेजेंटेड डजंट हैव एनी रिटेल स्टोर इन द विजिबिलिटी। अब गाइस जो मुझे चौथा स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ा है ना डी वाला, वो जो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टोर के बारे में बात की गई है। एक कस्टमर का स्टेटमेंट था ये मैंने पढ़ा। अब जो चौथा स्टेटमेंट है क्या बोल रहा था, कंज्यूमर हुज व्यूज इज प्रेजेंटेड हैज शॉप एट रिटेल स्टोर एज, मतलब दोनों का वो व्यूज यहाँ पे मैच करके वो अपना स्टेटमेंट बोल रहा है। बाकी सब में क्या बोल रहा है, वन कैन स्टॉप शॉप ओनली एट नाइट, ये बातें मुझे समझ में नहीं है, इन्फ्रेंस में नहीं निकाल सकता हूँ पहला को देखकर। दोस्त वर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग कंज्यूमर या कंप्यूटर हु कैन नॉट एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ से मैं कंक्लूड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर पर बात नहीं किया गया, ऑल स्टोर्स ऑफ असिस्टेंट टू ईच एंड, ये भी बात ऐसा नहीं है यहाँ पे, और ये भी बात मुझे सही नहीं लगी। ई वाला द कंज्यूमर हैज व्यू टू रिप्रेजेंटेड ओनर, यहाँ पे दोनों बात बोल रहे हैं, रिटेल स्टोर का बात आ रहा है, ऑनलाइन का, यहाँ पे जो वही बात हुई है, इससे मैंने इन्फ्लुएंस मैंने चौथा निकाल लिया। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ के आप लोग घबराना नहीं कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट, आपको सिर्फ पढ़ के निकालना है निष्कर्ष क्या आ रहा है। ठीक है, जो दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इन्हें क्वेश्चन भी लो, गिवन ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू इंफ्रेंस, ये तो दी हुई है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ अ सर्टेन एरिया ऑफ प्रोटेस्टिंग द रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय इन्वेस्टिगेशन कमीशन ऑन द रीसेंट रायट्स इन द एरिया क्लेमिंग दैट द प्रीटेस्ट
जिसका मतलब एक तो अगर थोड़ा डैमेज होता है, ठीक है, डैमेज हो गया कुछ लीगली तो यूज हो रहा है, ठीक है, यही चीज होता है। इनहेबिटेंट्स आर नॉट सर्टिफाइड टू कंज्यूम इन्वेस्टिगेशन, द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर प्रिजुडिस। क्या हो जाएगा इसमें गाइस? अब देखो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो है, इनहेबिटेंट्स जो है यहाँ पे नॉट हैबिट नॉट सेटिस्फाई द कंज्यूमर इन्वेस्टिगेशन कमीशन इन्वेस्टिगेशन से हुआ होगा कि जो वहां पे थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि उसे नॉट सेटिस्फाई ना होंगे गाइस, जो अभी तक क्लेमिंग ये सब जो हुआ है, ये सब जो राइट्स सब हुए हैं यहाँ पे, नॉट सेटिस्फाई होंगे तब उनसे मतलब नहीं सहमत होंगे, तभी तो वो प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। तो ये बात तो सही है। द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर प्रेजेंट, अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता हूँ उसी मेंबर्स के लोग खराब है ये है, तो वो नहीं यहाँ पे बोल सकता हूँ, अनएथिकल हो जाएगा। दिस इज ओनली ऑप्शन वन ट्रू। आगे बढ़े, 1993 स्टडी रिजल्ट फाउंड दैट द अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर फ्रॉम सिटिंग अराउंड द फ्लोरोसेंट लाइट फॉर 8 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट ऑफ सन एक्सपोजर। फ्लोरोसेंट लाइट एमिट अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज इमिटेड फ्रॉम सनलाइट इज मच मोर देन फ्लोरोसेंट लाइट्स। क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पे जो है ना दोनों बात सही है कि 1983 में जो बताया गया रिसेंट फॉर अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर फ्रॉम लाइट एंड द फ्लोरोसेंट लाइट हैज 8 आवर्स इज इक्वल टू 1 मिनट ऑफ सन एक्सपोजर। फ्लोरोसेंट लाइट इमिट अल्ट्रा वायलेट लाइट, बात सही है गाइस। द अमाउंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रिमिट इमिटेड फ्रॉम सनलाइट इज मच मोर देन फ्लोरोसेंट लाइट, बात सही है गाइस दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ओनली बोथ रेफरेंसेस फॉलो हो जाएगा गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आनंद कॉलोनी विल बी कट टुमारो आफ्टर 12 o'clock फॉर 3 आवर बिकॉज रिपेयरिंग वर्क विल बी कैरिड आउट। इंफ्लुएंसेस दैट रेजिडेंट्स ऑफ आनंद कॉलोनी मे यूज देयर इलेक्ट्रिकल बिफोर 12 o'clock। एंड दूसरा हो जाएगा रेजिडेंट्स ऑफ आनंद कॉलोनी ट्रेनिंग। गाइज आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा क्या ये सब के लिए? लाइट के लिए ट्रेनिंग चलता है, बात तो गलत है क्या? आप उसके पहले यूज कर लो 12 o'clock, लाइन कटने से पहले बहुत कुछ चार्ज वार्ज कर लो, ये बात सही। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फॉर लार्ज फार्म्स टू बी एज प्रोडक्टिव एज देयर बी देयर ओनर नीड टू इन्वेस्ट हेवीली इन एक्सपेंसिव मशीनरी द टिपिकली रिक्वायर्ड देम टू गो इन टू कंसिडरेबल डेट एंड इंटरेस्ट ऑन द डेट इज देन अ सिग्निफिकेंट फिक्स्ड कॉस्ट। द हाई फिक्स्ड कॉस्ट मेक दोज फार्मर वल्नरेबल टू ऑपरेट लॉसेस इफ प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट ड्रॉप। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्ज फार्म का जो प्रोडक्टिव बता रहा है, द फार्मर नीड टू इन्वेस्ट हेवेली इन एक्सपेंसिव मशीनरी। आप जो फार्मर वो हेवेली मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद टिपिकली रिक्वायर्ड देम टू गो कंस, आप जो ज्यादा मशीन परचेज करेंगे तो वो लोन इस समय चले जाएंगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इस समय ज्यादा वो फंस जाते हैं। जो होता है द हाई फिक्स कॉस्ट मेक फार्मर दो वल्नरेबल, काफी ज्यादा बुरी स्थिति में चले जाते हैं, ठीक है, अगर प्रोडक्ट ये सब नहीं बिका तो, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस ड्रॉप ये सब हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है, वो क्या हो सोच सकते हो यहाँ पे? देखो, दे कैन हाईली प्रोडक्टिव विदाउट बीइंग प्रॉफिटेबल, दे टेंड टू बी शो प्रोडक्टिव दैट दे ड्राइव एंड डाउन मार्केट प्राइसेस, दे टेंड टू बी कंसिडरेबली प्रॉफिटेबल इफ द ओनर बोर्ड एट लोअर इंटरेस्ट रेट, दे रिस्पॉन्ड टू ऑपरेटिंग लॉसेस बाय इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी, दे कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल इफ द ओनर डिपेंड ऑन क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं फ्रेंड्स, देखो, दे कैन बी हाईली प्रोडक्टिव विदाउट इन प्रॉफिटेबल। तो गाइज मैं ये बोल सकता हूँ कि आप दे कैन बी हाईली प्रोडक्टिव विदाउट इन प्रॉफिटेबल, ठीक है, ये बात। अब देखते हैं, दे टेंड इज सो हाईली प्रोडक्टिव सो ड्रिवन लाइक मार्केट प्राइसेस डिपेंड ऑन द मैं, ये गाइस मैं नहीं बता सकता मार्केट मार्केट प्राइसेस की आपकी हाईली प्रोडक्टिव हो जाएगी, ये मैं नहीं बता सकता, ये कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट प्राइसेस का डिपेंड करता है हाईली प्रोडक्टिव पे। दे टेंड टू बी कंसिडरेबली प्रॉफिटेबल इफ देयर ओनर बोरो एट लो इंटरेस्ट रेट। ऐसा भी नहीं है कि आप हाईली प्रॉफिटेबल हो जाओगे इफ देयर बोरो लो इंटरेस्ट रेट, अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकी तो फिर आप क्या करोगे? तभी तो आप नहीं हो सकते, आप इंटरेस्ट नहीं होता है आपको, फिर प्रोडक्ट भी बेचना है, ये भी बात है, ये नहीं आपको बता सकते हो यहाँ पे, ये भी नहीं कर सकते हो। दे रिस्पॉन्ड टू ऑपरेटिंग लॉसेस बाय इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी। अब बताओ यहाँ पे गाइस कि दे रिस्पॉन्ड टू ऑपरेटिंग लॉसेस बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, अब प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी से आप सिर्फ नहीं कर सकते, आपको प्रॉफिटेबल ही बनना है यहाँ पे। तो सिर्फ आप प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाना, आपको प्रोडक्ट वहाँ बेचना है, प्रॉफिटेबल ही बनना है। तो यहाँ पे ये भी नहीं है, दे कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल इफ द डिपेंड ऑन क्रेडिट। मुझे ये बातें नहीं समझ। जो ए है, दे कैन बी हाईली प्रोडक्टिव विदाउट बींग प्रॉफिटेबल। या एक बात सही है कि आप प्रोडक्टिव हो सकते हो विदाउट बींग प्रॉफिटेबल, अगर आप चलो से समझ समझ करो कि आप प्रॉफिट यहाँ पे नहीं कमा रहे हो, ठीक है, बट आप हाईली प्रोडक्टिव हो सकते हो, ठीक है, उससे आप काम निकाल सकते हो मशीन से। हाँ चलो कुछ बात में आपको प्रॉफिट नहीं आ रही है, बट आप प्रोडक्टिव तो हो सकते हो, अपने काम में तो आप सही हो। अब प्रॉफिट होना वो बात की चीज है, बट ये चीज तो एथिकल है ना कि आप प्रोडक्टिव हो, दे कैन बी प्रोडक्टिव हो सकते हैं विदाउट बीइंग प्रॉफिटेबल। होता है ऐसा कि कोई कोई बिजनेस बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी रहता है, विदाउट बीइंग प्रॉफिटेबल में प्रोडक्टिविटी अच्छा है, ठीक है, वही है। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन होगा वो राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। द लाइफ लाइन ऑफ द मुंबई, द लाइफ लाइन ऑफ द मुंबई इन इज द ट्रेन नेटवर्क। सही बात है, लोकल्स का जमाना है उधर। वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड प्लेस इन द सिटी, ए ग्रुप ऑफ कमिटेड एम्प्लॉयर्स हैव बीन कॉल्ड इन स्ट्राइक टू रिस्पॉन्ड द इंक्रीजिंग ऑफ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट दैट रूट पास्ड ओवर द टीडीए। ओवर क्राउडिंग की वजह से बहुत सारा डेथ हो रहा है उधर। द ओवर कमिटेड वांट टू कंटिन्यू द स्ट्राइक अनलेस द अथॉरिटी एग्रीज टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन इन दैट रूट। कमिटेड चाहते हैं कि वहां पे कंटिन्यू स्ट्राइक अनलेस द, जब तक वो लोग ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ट्रेन नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब ज्यादा ट्रेन नहीं देंगे, तब तक वो लोग अपना जो धरना है स्ट्राइक वो नहीं हटाएंगे। क्या हो सकता है यहाँ पे? द इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन वुड लीड टू डिक्रीज द नंबर ऑफ सच एक्सीडेंट। द ट्रेन इन द मुंबई रेलवे अथॉरिटी आर इंडिफरेंट टू द सेफ्टी ऑफ कम्यूनिटीज। द रेलवे डिड नॉट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन द पास्ट 1 ईयर। नॉन ऑफ दिस क्या होगा? पहला जो मैंने ऑप्शन पढ़ा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन लीड टू डिक्रीज द नंबर ऑफ सच एक्सीडेंट। क्या मैं ट्रेन के बढ़ाने से क्या मैं एक्सीडेंट को कम कर सकता हूँ? ये बात मैं नहीं बोल सकता अपने मन से, इन्फ्लुएंस मैं नहीं निकाल पाया, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। द ट्रेन द मुंबई सेंट्रल रन ओवर क्राउडेड, ठीक है, देखते हो। द रेलवे अथॉरिटी आर इन डिफरेंट टू द सेफ्टी ऑफ कम्युनिटी, ये बात मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा। द रेलवे डिड नॉट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कम्यूटर इन द पास्ट 1 ईयर। ये बात सही है गाइस कि द रेलवे है वो डिड नॉट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कम्यूटर इन द पास्ट 1 ईयर। रेलवे जो है वो नहीं बढ़ा सकता फ्रीक्वेंसी को ट्रेन को, ताकि जो है उसका जो डायरेक्ट जो डिड नॉट इंक्रीज द प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन द कम्यूटर इन द लास्ट 1 ईयर। सही बात है गाइस कि जो रेलवे है वो नहीं इंक्रीज कर सकता है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो वो नहीं बता सकता है कि जो मैंने पहले कम्यूटर से मतलब लास्ट 1 ईयर का देख के ऐसा नहीं कर सकता है मैं ट्रेन बढ़ा दूं। ये बात सही है गाइस। जो ये भी है ये हटा दो, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, इसमें नॉन ऑफ दिस भी हट जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल सोचना है क्या हो सकता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंडियन हाई कमीशन इन एंटीगुआ एंड बारबुडा हैड आस्क द अथॉरिटीज द स्टॉप बिलियनर डायमंड ट्रेडर मेहुल चौकसी फ्रॉम ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, सोर्सेज सेड ऑन मंडे। मतलब मेहुल चौकसी को यहाँ पे रोकना, जो भागा हुआ है यहाँ पे एक तरह से विजय माल्या जैसा समझो, तो उसको स्टॉप करना है, ठीक है, मतलब भागने से। तो ऑल बिलियनर डिमांड डायमंड ट्रेडर्स शुड इमीडिएटली स्टॉप ट्रेवलिंग टू एंटीगुआ एंड बरमूडा फॉर द टाइम बींग। मेहुल चौकसी शुड सीक असाइलम टू इन द अदर कंट्रीज। द इंडियन हाई कमिश्नर शुड गो हिमसेल्फ टू गो एंड अरेस्ट मेहुल चौकसी। क्या हो जाएगा इस यहाँ पे, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे बताना है। एंड बिलियन ट्रेडर, आप सबको यहाँ पे स्टॉप कर दोगे क्या ट्रैवलिंग से? किसी को इमरजेंसी आ गई तो आप स्टॉप नहीं कर सकते, दिस इज अनएथिकल। मेहुल चौकसी शुड सीक असाइलम, आप यहाँ पे सपोर्ट ये सब नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे इन्फ्लुएंस करना है, तो ये भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते असाइलम ये सब का। द इंडिया कमिश्नर हाई हिमसेल्फ, ये भी बात सही नहीं है, अनएथिकल। आप थोड़ी हो जाएगा आप क्या, वो आर्मी नहीं भेज सकता है, तो नॉन ऑफ देम फॉलो हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द टीवी शो ए फार्मर्स ए फेमस न्यूट्रिशन सेड दैट अमंग डिफरेंट आइटम्स ऑफर्ड फॉर ब्रेकफास्ट मेस्ली हैज मोर न्यूट्रिशन वैल्यू देन द रेगुलर सीरियल्स। ही आल्सो सेड दैट द ओटमील इज हेल्दियर देन ब्रेड, बट ए रीसेंट कमर्शियल ऑफ सीरियल कंपनीज लाइक कॉम्प्लेक्स आर रिचर न्यूट्रिशन दैट मेस्ली द कंज्यूमर आर पोस्टिंग
सेवर क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया ऑन द कंपनी वेबसाइट अबाउट द मिस इन्फॉर्मेशन इन द एडवर्टाइजमेंट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, एक जैसे बाबा जी है यहाँ पे, बाबा जी का बात सभी लोग मानते हैं, राज्यसभा ये सब में जो बाबा जी बोलते हैं वो सही होता है, वो सही होता है। बट जो एक कंपनी है वो क्या बोल रहा है, मेरा जो है वो अच्छा है सेल्स, मतलब वो ज्यादा अच्छा है, कॉर्नफ्लेक्स ऐसा, मतलब जो बाबा जी बोले हैं ना, जो ब्रेकफास्ट में ना आप लोग मिसल्स ज्यादा कंज्यूम करो ज्यादा अच्छा होता है। पर कंपनी जो होता है ना, कंपनी बोले सेल्स लाइक कॉर्नफ्लेक्स आर रिचर देन मिसल्स, मतलब इनसे जो प्रोडक्ट बता रहे बाबा जी उनसे जो है वो अगेंस्ट चला गया, कंपनी के अगेंस्ट बोला है कि मेरा ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट होगा। अब एक बात बताना गए इसकी, मैंने जो स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन पढ़ूंगा, द न्यूट्रिशन हैड डेलिबरेटली मेड द कमेंट टू जनरेट नेगेटिव स्टेटमेंट अगेंस्ट द करियर कंपनी, द सेरल कंपनी हैड एंड डेलिबरेटली बेस्ड ऑन द आउटडेटेड रिसर्च एंड द मिस इन्फॉर्मेशन अनकंडीशन, द न्यूट्रिशन हैज न्यूट्रिशन हैज हाई क्रेडिबिलिटी एंड पीपल बिलीव हिज वर्ड्स दैट ऑफ द फेमस सेरल कंपनी, द सेल्स ऑफ द सेरल्स वेंट डाउन आफ्टर द टीवी शो, सोशल मीडिया साइट्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर अमंग कस्टमर एज कंप्लेंट पोर्टल। अपन गाइस की मैंने जो तीसरा ऑप्शन पढ़ा, द न्यूट्रिशन हैज हाई क्रेडिबिलिटी, देखो हाई क्रेडिबिलिटी होने की बात है कि उनका सबको बातें मानता है, पीपल बिलीव करते हैं उनके वर्ड्स में, इसलिए ना वो लोग चाह, और उससे क्या हो रहा है कि जो उनके भक्त लोग हैं वो कंपनी के बारे में अगेंस्ट चले गए, ठीक है, उनके रिव्यूज अच्छे नहीं दे रहे हैं कंपनी का, यही बातें हमें बता रहे, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो आजकल ये बात होता है गाइस कि जो बाबा जी लोग होते हैं ना उनका बात जल्दी से मान लेता है, और जो कंपनी की बात है वो सभी बात गलत मानता है। तो ऑप्शन जो थ्री है गाइस, ये मुझे पढ़ते ही समझ में आ गया था यहाँ पे कि ऑप्शन थ्री जो आपका राइट यहाँ पे इन्फ्लुएंस बैठ रहा है, ठीक है, बाकी सब यहाँ पे होंगे भी नहीं, ठीक है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सीधा यहाँ पे बिलीव जो दिख गया ना मुझे, मैं समझ गया कि बाबा जी का आजकल के जमाने में यही सब चीज चलता है, आजकल होता है भी गाइस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड रेसिड्यूज इज फाउंड इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सोल्ड इन द मार्केट कॉजिंग पब्लिक अनरेस्ट, द रीजन ऑफ फार्मर्स बीइंग फोर्स्ड टू यूज अफोर्डेबल केमिकल पेस्ट इन द लार्ज अमाउंट ऑफ टू प्रोटेक्ट हार्वेस्ट, द पेस्ट आफ्टर सम टाइम गेट इम्यून टू केमिकल्स एंड एंड दिस फार्मर टू फोर्स्ड टू यूज मोस्ट हार्मफुल केमिकल्स टू एग्जामिनेट देम, द गवर्नमेंट इज हाउएवर इज प्लानिंग टू बैन द यूज ऑफ सम हार्मफुल केमिकल्स एज इट्स causing health issues, thus breaking its vicious circle. Which of the following concentrate होगा? तो क्या हो रहा है ना कि अलार्मिंग लेवल होता है पेस्टिसाइड का और इंसेक्टिसाइड का डायरेक्ट रिसीड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, होता है ना कि आजकल लोग केमिकल्स ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, मतलब पकाते हैं, मतलब आजकल देख तो बहुत सारे सब यूज होता है, आम को पकाने में कितना सारा वो सब पेस्टिसाइड डालते हैं, और क्या करे फार्मर भी उसी पे ज्यादा फोर्स किया जाता है ताकि वो लोग एफोर्डेबल पड़ता है, केमिकल फैसल डाल दे वो दवाई, केला ही पक जाता है, हरा से पीला हो जाता है, ऐसा होता है आम ये सब के सीजन में भी, केला के सीजन में, अंगूर में, में, तो वो सब का एक तरह से बर्डन है, मतलब एफोर्डेबल ही पड़ता है फार्मर सब को और फोर्स भी किया जाता है। द फार्मर्स आर प्लानिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बैनिंग ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बैन ऑल द केमिकल पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, द फार्मर हैव बीन रिलाइंग टू मच ऑन द केमिकल्स लॉन्ग इनफ फॉर द पेस्टिसाइड टू इवॉल्व डेवलप एंड रेजिस्टेंट टुवर्ड देम, हर्बिसाइड शुड बी यूज्ड बाय फार्मर्स टू प्रिवेंट सच हेल्थ हैजर्ड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप एट द सेम टाइम, या नॉन ऑफ द अबव। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि फार्मर जो है वो प्लान कर रहे हैं यहाँ पे टू प्रोटेस्ट अगेन, अपना क्यों वो कुल्हाड़ी पे लात मारेगा तो गलत ही क्यों, उसको तो खुद फायदा हो रहा है, वो तो फोर्स किया जा रहा है तो ये तो सीधा अगेंस्ट चला गया तो नहीं है, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बैन ऑल, गवर्नमेंट क्यों बैन करेगा, कोई बैन की बातें नहीं हो रही, फार्मर इज बीइंग रिलाइंग टू मच, अब देखो टू मच रिलाइंग है यहाँ पे, फोर्स भी किया जा रहा है मतलब उस पर ज्यादा निर्भर है तो ये हो जाएगा, हर्बर शुड बी हर्बर हर्बिसाइड शुड बी यू, अब देखो यहाँ हर्बिसाइड्स का बात है, यहाँ पे कुछ बात हुई नहीं हर्बिसाइड्स की, ओनली ऑप्शन थ्री हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइस हम लोग का फाइनल है यहाँ पे असर्टेन एंड रीजन, असर्टेन एंड रीजन क्या होता है ना, एक आपको स्टेटमेंट दी रहती है असर्टेन की, ठीक है, उसका रीजन दिया रहता है कि आपको रीजन वो सही है कि नहीं इस स्टेटमेंट का, कि अगर सपोज करो कि स्टेटमेंट है उसका आपको रीजन बताना है कि उसका रीजन सही दिया है या फिर नहीं दिया है, ठीक है, वही आपको मेनली असर्टेन एंड रीजन में आपको आता है, मेनली आपको असर्टेन एंड रीजन आपको डिस में मिल जाएगा, स्नैप ऐसा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और एसआरसीसी में आपको आता है असर्टेन एंड रीजन, ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। When lightning strikes, the sound is heard a little after the flash is seen. Reason the velocity of the light is greater than the sound. बात सही है, the velocity जो होता है ना light का वो greater than होता है sound का.
ठीक है, तो इसका जो रीजन है एसेटन ए का वो डाइट है, मतलब बोथ ए एंड आर टू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए शिप राइजेज एट इज एंटर द सी फ्रॉम ए रिवर, द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज हाइयर इज कम्पेयर टू, बात सही है गाइस, जो डेंसिटी होता है शिप का सी का वो ज्यादा होता है रिवर से। ऑप्शन वन सीधा आपको मार देना है यहाँ पे टिक, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या हो जाएगा इस यहाँ पे, जो हो जाएगा इस जो यहाँ पे जो है ए और आर ट्रू है कि इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ हेड है और इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे ये सब चीज सही है, बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा कि जो इंडियन पार्लियामेंट होता है कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा का होता है। जो आपका इंडियन प्रेसिडेंट होता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन और लाइक टिटलर होता है, लाइक हेड का, एग्जीक्यूटिव का, एज ए रियल पावर होता है, एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है, एक तरफ से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है, ये नॉट अ लाइक आपको एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो ये जो है आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लॉज आर नॉट वॉश प्रॉपरली इन हॉट वाटर, हॉट वाटर कंटेन्स मेनी मिनरल्स। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक चीज मैंने पढ़ा है कि हॉट वाटर जो है कंटेन्स मिनरल्स करता है, और क्लॉथ्स आर नॉट वाटर इन हॉट वाटर, नॉट वॉश इन प्रॉपरली इन हॉट वाटर। अब एक चीज बताओ कि हम लोग ज्यादातर ना वी प्रेफर टू वेयर डार्क, मेनली जो होता है ना गाइस की हार्ड वाटर जो होता है ना, क्लॉथ डो नॉट गेट वॉश्ड प्रॉपरली। ठीक है, हार्ड वाटर में जो क्या होता है ना कि आपको जो लाइक होता है कि जल्दी से मतलब क्लॉथ अच्छे से वॉश नहीं हो पाते, बिकॉज हार्ड वाटर जो होता है लाइक मतलब वहां पे ना आपको लाइक ज्यादातर से सोप ना घुल नहीं पाते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर से, तो क्लॉथ्स आर नॉट वॉश प्रॉपरली इन हॉट वाटर। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे जो होगा बोथ ए एंड आर ट्रू जो हो जाएगा वो सही है, बट आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन होगा वो राइट होगा, क्लॉथ्स आर नॉट लाइक प्रॉपरली इन द हॉट वाटर, सही, क्योंकि वो घुलता नहीं है। अगर आप इसको वार्म वाटर में रखो, देखते हो ना गर्म पानी में कपड़े रखने से तुरंत उसका आप देखो जल्दी धुल जाते हैं कपड़े, और हार्ड वाटर में नहीं होता क्योंकि जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी भी साबुन ये सब जो सोप होता है। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो, तो बोथ एन आर एंड इज नॉट एक कलेक्शन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं। इन विंटर पीपल प्रेफर वेयरिंग व्हाइट क्लॉथ, व्हाइट क्लॉथ आर ग्रेट रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। अब देखो क्या होगा गाइस, इसमें जो है यहाँ पे दिया गया वी प्रेफर टू वेयर डार्क क्लॉथ इन विंटर्स, बिकॉज लाइक हम लोग ना प्रेफर करते हैं डार्क क्लॉथ को विंटर में, पर बिकॉज जो एब्जॉर्ब करता है वो हीट को करता है, और आपको जो होता है आपका जो बॉडी होता है वो गर्म करने के लिए मतलब वार्म करने के लिए रखता है। ठीक है, और जो क्लॉथ होता है वो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होता है और वार्म इन समर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसका फोर्थ। ठीक है, मतलब ए जो है इन विंटर जो है पीपल प्रेफरिंग वेयरिंग व्हाइट क्लॉथ हो जाएगा। ठीक है, तो ए जो है फॉल्स है कि आपका जो है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको विंटर जो है ना आपको व्हाइट कपड़े में ही आपको ज्यादातर प्रेफर करते हैं लोग। ठीक है, बट आपको व्हाइट जो कपड़े होते हैं ना लाइक डार्क क्लॉथ होते हैं ना वो ज्यादा आपको हीट प्रोवाइड करता है, मतलब ज्यादा जो हीट एब्जॉर्ब करता है, व्हाइट उतना नहीं करता है। ठीक है, और बट जो आर है व्हाइट क्लॉथ आर ग्रेट रिफ्लेक्टर, ये सही बात है गाइस। ठीक है, आर इज ट्रू होगा बट ए इज फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन वायर सैग मोर इन समर, दे एक्सपैंड ड्यू टू समर हीट। ठीक है, अब गाइस ये बात सही है कि जो है ना, जो दोनों बात सही है कि वायर जो है ना सैग मतलब वो एक्सपैंड हो जाता है, मतलब ढीले बढ़ जाते हैं सैग मतलब, ए सही है, और दे एक्सपैंड ड्यू टू समर हीट, हीट के गर्मी की वजह से ही वो सैग होते हैं, मतलब थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा पिघल टाइप में मतलब ऐसा होता है ना। ठीक है, तो बट हो जाता है, बट जो है दोनों बात सही है, बट जो आर है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ए का नहीं है। ठीक है, द मेटल जो होता है ना टेलीफोन वायर्स का वो आपको ना लाइक एक तरह से एक्सपैंड कर जाता है समर में। ठीक है, वायर बिकम लूज हो जाता है। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो उसका एक्सपैंड करता है, ना कि पूरा वो हो जाता है। ठीक है, तो सो दे सैग मतलब तभी वो ढीले पड़ जाते हैं, दैट्स व्हाई ई एन आर, बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
आगे बढ़ता है। ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स देयर हैज बीन ड्रास्टिक ग्लोबल वार्मिंग। द पुश ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज इंक्रीज्ड टू डेंजरस प्रोपोर्शन टू एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इन टू। तो सर क्या हो जाएगा? सही बात है गाइस, ग्रीन हाउस जो गैस हो रहा है ना, अदर लाइक होता है ना, रूट कॉज होता है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग का रूट कॉज होता है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो सबसे जो है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा, होता है रूट कॉज गाइस। आप लोग पढ़े हुए साइंस में, तो रूट कॉज होता है, ग्रीन हाउस से अफेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, ज्यादा यूज करने पर। अब देखो, इट इज द वर्क ऑफ वैक्सीन टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम डिजीज इन फ्यूचर। चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोवाइडेड वैक्सीन टू चाइल्ड। सही बात है गाइस, अगर आप बच्चे को चाइल्ड में बच्चे में उसको पोलियो की दवा दे दोगे तो आगे जाकर उसको बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगी। बात सही है, इसलिए सरकार क्या करता है, पोलियो ये सब का दवा ये सब देता है। फिर से बहुत सारे आजकल बहुत सारे वैक्सीन दिए जा रहे हैं, तो सही बात है गाइस, चाइल्डहुड में ही दे देना चाहिए। आई इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, और आर दोनों सही है, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ यू विल पुट एन आयरन बॉल इन द मर्करी इट विल फ्लोट, बट इफ द सेम थिंग विल बी पुट इन साइड द वॉटर इट विल सिंक। मर्करी हैज लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी देन आयरन। अब देखो, आयरन जो होता है ना, आयरन का लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक है, देन द डेट ऑफ मर्करी। ठीक है, बट यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, मर्करी हैज लेस स्पेसिफिक, तो यहाँ पे जो गाइज हो जाएगा वो मेरा सी हो जाएगा, आर जो है वो फॉल्स है यहाँ पे, दिस इज फॉल्स। आयरन का होता है लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी देन मर्करी होता है, ना कि मर्करी का होता है। ठीक है, बट जो आपका जो ए जो है वो ट्रू है, इफ यू पुट एन आयरन बॉल ऑन द मर्करी इट विल फ्लोट, बट इन द सेम थिंग वो जो आपको सिंक कर जाता है वाटर में। ठीक है, देखो ना, पानी में डालते हैं लोहा को तो वो डूब जाता है, ना कि फ्लोट करता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आर जो है आप फॉल्स हो जाएगा। तो ये था गाइज हम लोग का टोटल आज का क्वेश्चन। ठीक है, जितने आई थिंक हम लोग का बहुत लंबा ये सेशन हो गया है। ठीक है, और आई थिंक आप लोग क्वेश्चन से भी बहुत समझ में आए होंगे। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो टिस्नेट की कोर्स है, अगर इस पर आप ज्वाइन होना चाहते हो, 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। इस कोर्स में आपको 100-200 प्लस लाइव सेशन, आपको सारे चीजें मिल जाएंगे हर एक सेक्शन में आपको। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये पोस्ट कर दिया, इस पर डिटेल वीडियो आप जाकर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर चैनल पर जाके। ये कम्प्लीट सुपर 30 बैच होने वाली है, तो इस पे आप सिर्फ 2999 प्राइस होगी, और न्यू बैच स्टार्ट हो रही है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे 5 मॉक्स और सेक्शनल मॉक्स प्रोवाइड होंगे। और जो भी कोई भी है आपको, आप यहाँ पे बता देना इस नंबर पे, आप कॉल कर सकते हो, और जो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी वो जून तक। और इसमें मैं एक चीज बता दूँ कि इसमें GT प्रिपरेशन यहाँ पे इंक्लूडेड होगी। ठीक है, प्रिपरेशन ही सब। उसी तरह अगर आप लोग ऑन गोइंग बैच में भी एनरोल हो सकते हो, या फिर सीमेट के बैच में एनरोल हो सकते हो। सीमेट की बैच आ रही है गाइस, ये भी बैच 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाली, 2499 इसकी फीस है, 240 प्लस यहाँ पे लाइव क्लास ऑफ ऑल द सेक्शन फॉर ऑल द सेक्शन लाइक GK इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सारा आपको मिल जाएगी, 5 फुल लेंथ और सेक्शनल मॉक यहाँ मिल जाएगी, और डिस्कशन ये सब भी करते हैं पास्ट ईयर पेपर, तो सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर आप लोग कॉल कर लें। और हम लोग बात करें ऑनगोइंग कोर्सेज की टीसनेट की, तो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका था ये वाला कोर्स, और यहाँ पे इसकी भी फीस 2999 है, और इसकी ऑलरेडी 15 क्लासेस हो गई है, तो जो भी लोग क्लास छूट गई है तो वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर आप ज्वाइन होते हो तो। और यहाँ पे भी 240 क्लास, बाकी सब कुछ कंटेंट आपको सेम मिलेगा। कोई भी क्वेरी नंबर पे कॉल कर ले। ठीक है, और हम लोग के चैनल के बारे में बता दें और मेरे बारे में बता दो, तो मुझे जो है वो 2 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस हो चुका है MBA को पढ़ाते पढ़ाते, और मैं रिव्यूज दिखा दूंगा अभी। और जो आप लोग, हम लोग कोर्स है वो आप यू कैन वॉच अवर कोर्स ऑन एंड्रॉइड iOS एंड लैपटॉप PC। लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, एंड क्लासेस फ्रॉम ऐप थ्रू लाइव क्लासेस, और हैंड रेज फीचर मिल जाएगी, पोल इन लाइव क्लास, स्ट्रक्चर कोर्स एंड PDF स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन आप सबको यहाँ पे मिल जाती है। अगर अचीवर्स की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देख सकते हो सारे एग्जाम्स हम लोग यहाँ पे हैं, बच्चे यहाँ पर CMAT, DISNET, NMAT, SNAP सारा कुछ है यहाँ पे। ठीक है, ये सब MBA CET के भी हम लोग अलग से हैं यहाँ पे। ठीक है, सारा आप लोग देख सकते हो 22-23, बाकी सर व्हाट्सएप के रिव्यूज है। ये अभी जो करंट बैच चल रही है टिस्नेट सीमेट की, SRCC GBO सीमेट की, ये सब मैं स्क्रीनशॉट दे दिया हूँ। ठीक है, पेड जो बैचेस है, और ये सब हम लोग की स्टडी मटेरियल की है यहाँ पे। जो आप टिस्नेट में ज्वाइन करोगे तो ऐसा आपको कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, सारा वीडियो स्टडी मटेरियल ई बुक्स और ये सब रिकॉर्डिंग आपको इस तरह से देखने को आपने मिलेगी। एंड यही था आज का हम लोग का वीडियो क्रिटिकल रीजनिंग के पे। मैंने यहाँ पे सारा चैप्टर्स एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया है,
और आई थिंक आप लोग वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आई थिंक आप लोग कॉन्सेप्ट और आप लोग की क्लैरिटी और ज्यादा इम्प्रूव हो गई होगी, और आप लोग को समझ में आ गया किस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, और आपको भी जितनी कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। और जो भी आप लोग को डाउट आया होगा किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और आपको वीडियो कैसा लगा होगा वो जरूर बता देना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करना गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सर वीडियो में, और ये काफी ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो चुके हैं, बट आप लोग पूरा देखोगे तो आप लोग एनमेट स्नैप अगर जो एग्जाम देने जाओगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगी गाइस, ठीक है। और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।